أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعلم لا ينفع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جي كيسے ہیں آپ سب excited ہیں خوش ہیں अल्हमदल्लाहमदल्ह माशाल्लाह माशाल्लाह चैट बॉक्स को तो रौनक लगा दी ना आपने माशाल्लाह आप लोग तो बहुत खुश हैं सुभान अल्लाह खुशी भी है फिफ्टीन जूज अलहमदल अल्लाह के अल्लाह की तौफीक से हमने मुकम्मल कर लिया मिल के अब सिक्सटीन पे आज हम आ गए हैं थोड़ी मिक्स सी फीलिंग है ना आज अब थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहे हैं हम मुझे बहुत उदासी हो रही थी कि सिक्सटीन नंबर आ गया अब अब जरा ज्यादा गुजर गए थोड़े रह गए मतलब तो फीलिंग कुछ थोड़ी सी इस तरह की है मेरी तो इस तरह की है आपकी कैसी फीलिंग है ऐसा है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए मिक्स फीलिंग नहीं होनी चाहिए कुरान पाक से तो हमारा ताल्लुक सारा साल होगा ना हर लम्हे होगा हर वक्त होगा अल्लाह बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे पास कुरान अल्हम्दुलिल्लाह चलें जी सबसे पहला काम हम क्या करते हैं क्लास स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले अपनी नियतों को चेक करते हैं अपनी इंटेंशन को चेक करते हैं इमाम इब्नुल अल कईम रहमत फरमाते हैं इखलास तो ये है कि तुम्हें अपने अमल पर सवाए अल्लाह के किसी की गवाही मतलूब हो और ना किसी का इनाम ना ही हमें किसी की गवाही चाहिए और ना ही हमें किसी का इनाम चाहिए ये फीलिंग हमारे अंदर हर वक्त होनी चाहिए तब जाके इखलास के आला दर्जे पे हम लोग पहुंचते हैं हम सब ने अपना जायजा लेना है कि क्या मेरे अंदर ये दोनों फीलिंग्स तो नहीं आती मुझे इनाम तो नहीं चाहिए इंसानों से ऐसा है ये चेक करना है हमने इनशा फिर दुआ के साथ इनशा क्लास में दाखिल होते हैं अल्लाहली तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम दाखिल हो चुके हैं अपनी क्लियर इंटेंशन के साथ अब ये बताएं आप चैट बॉक्स में मुझे ये बताएं कल के फिफ्टीन जूस से क्या क्या आपके माइंड में ठहर गया डाइजेस्ट हो गया रुक गया हजम हो गया जिसको उर्दू में कह सकते हैं आप कुछ भी कह सकते हैं आप उसको जब के जब फिफ्टीन जूस का नाम आपके सामने गुजरे तो आपके आपके अंदर कौन से पॉइंट ठहर गए जो आपकी ज़ का हिस्सा बन गए जो कि रिमाइंडर्स की शक्ल में बाजूका हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाता हुआ जाता है क्या ठहर गया कल आपके आप चैट बॉक्स में बताइए वालदे के लिए दुआ बिल्कुल सिस्टर सबीहा ने लिखा है पॉजिटिव अच्छी बात अल्लाह जी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र अपनी डायरीज को ओपन करें तो उधर से फिर इनशाला आपको पॉइंट्स मिलेंगे बिल्कुल दिन बचाने के लिए और कुर्बानी दी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताती हूँ कुछ आयात जो कि मेरे अंदर ठहर गई जिन्होंने बार बार मुझे पे रोका, बार बार रोका जिन्होंने जिन आयात ने बहुत रोका मुझे मुझे अपनी हैबिट चेंज करने के कहा जिन आयतों ने उन आयतों को जिक्र कर लेते हैं सुरानी इसराइल की जो आयत नंबर इलेवन से हम लोग गुजरे उसमें क्या था कि और इंसान बुराई की दुआएं मांगने लगता है बिल्कुल उसकी अपनी भलाई की दुआ की तरह इंसान है ही बड़ा जल्दबाज सुभान क्या कहा गया है इंसान की फितरत को खोल के बयान कर दिया गया है कि इंसान है ही जल्दबाज इसमें उन लोगों की मजम्मत की जा रही है जो गुस्से परेशानी की हालत में अपने आप को या औलाद को जल्दबाजी में बद दुआ देते हैं सुबहान अल्लाह हमने जायजा लेना है कि कहीं हम तो नहीं यहाँ खड़े मैं तो नहीं कहीं ऐसा करती इतने अब्बास कहते हैं कि इंसान का बेजारी की हालत में खुद को या अपनी औलाद को बदुआ देता है हालांकि वो खुद इस बदुआ की कबूलियत नहीं चाहता हमारा दिल नहीं मान रहा होता लेकिन हम बद दे देते हैं हमारे अल्फाज एकदम से हमारे मुंह से जारी हो जाते हैं तो हमने इस चीज़ का बहुत ज्यादा जायजा लेना मैंने भी बहुत इस पे सोचा बहुत वर्क किया और आपने भी इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना है कि ऐसा ना हो कहीं वो लम्हा हो आपको पता है नबी अलैहि सल्लाम ने फरमाया कि रमज़ान के हर दिन और हर रात अल्ला तबारक की तरफ से कुछ लोगों को जहनुम से खलासी नसीब होती है और हर दिन रात में मुसलमान की एक दुआ ऐसी जरूर होती है जो कबूल हो जाए तो हमने गौर करना है कि कहीं वो लम्हे कहीं वो लम्हे तो नहीं जो कबूलियत के हैं और मेरे मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल के खुदा ना हास्ता जो कि कबूल हो जाए बहुत स्केरी था बहुत स्केरी था इस पर बहुत गौर फिक्र कीजिएगा इंसान अपनी जल्दबाजी की वजह से शर को खैर समझ कर मांगता है बहुत ख्याल करना है मैंने भी और आपने भी और हमने अपने प्यारों को भी ये चीज सिखानी है इनशा अच्छा अब ये बताएं कि बाजुकात मुंह से कुछ भी हमारे से निकल गया हमने किसी का कुछ भी जल्दबाजी से हमने दिल आजारी कर दी अब हम क्या करें क्या करें अब हम पछतावे पछतावे में सारी जिंदगी गुजार दें क्या करें अब पछतावे से निकलना भी तो हमें होगा ना पछतावा जो है पछतावे से निकलने के लिए क्या करना होगा हमें कि बार बार एक ही वर्ड मैं बोल देती हूँ किसी को ताना दे देती हूँ या बच्चों को एक बात कर देती हूँ या किसी दोस्त को रिश्तेदार को मैं क्या करूँ मुझे करना ये होगा कि मुझे अपनी गलतियों की लिस्ट बनानी होगी काम करना होगा अपनी जात पे और क्या करना होगा अपने गुनाह को एक लिस्ट में लिखें कि ये सारी गुनाह किस चीज़ में आ रहे हैं और अल्लाह ताला से खालिस होकर तो तौबा करें अल्लाह प्लीज़ हेल्प मी मैं इससे निकलना चाहती हूँ ये आदत मेरी जुबान पे ये अल्फाज बार बार जारी हो जाते हैं आपको पता है कि हजरत आयशा रजी तह जो थी वो जंग जमल के बाद जब जंग हुई थी उसके बाद वो इतना रोया करती थी कि उनका दुपट्टा भीग जाता था उन्हें पछतावा था कि वो मुसलमानों के अगेंस्ट ही उन्होंने जो जंग हो गई थी उस पर इतनी वो नादिम थी इतनी शर्मिंदा थी वो उनका दुपट्टा भीग जाया करता था तो ऐसी बात नहीं कि हमसे गलतियां नहीं होती गलतियां सबसे होती हैं लेकिन करना क्या है पछतावा देखे ना हम में से हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी आप महसूस करते होंगे कि पछतावे की आप फेज में चले जाते हैं इंसान सोचता है कि उसने गलत किया रवैये और अमल से उसने किसी दूसरे को दुख पहुंचाया है इंसान इसी रनजो गम में मुबला हर वक्त चौबीस घंटे उसकी थिंकिंग में यही चलता रहता है कि मैंने किसी को तकलीफ दी मैंने किसी से बुरी बात कर दी तमाम तो जिंदगी सोचता रहता है सोचता रहता है फिर होता है एंड पे क्या रिजल्ट निकलता है <coughs> रिजल्ट ये निकलता है कि वो परेशानी और डिप्रेशन की वजह से वो एक मरीज बन जाता है उसका एक छोटा सा पछतावा जो कि उसने नेक्स्ट स्टेप पे उसने जंप नहीं किया नेक्स्ट स्टेप क्या है नेक्स्ट स्टेप ये है कि अल्लाह ताला की तरफ पलटना ठीक है क्या है, नेक्स टेप? नेक्स टेप है फोरन फोरन वो नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप है एहसास निदामत फौरन से फौरन इंसान को अल्लाह ताला ने मट्टी से बनाया मट्टी में बहुत खसूसियात होती है। आपको हैं आपको पता है ना बहुत नरम सी होती है फौरन से एहसास निदामत पे नेक्स्ट स्टेप पे चले जाए अपनी गलती को तस्लीम करें उसलाह करें और क्या करना होगा हमें इसलाह कैसे करनी होगी हमें हमें अपने आप से मुस्बत हम कलामी करनी होगी और मनफी सोचों से हमें दूर रहना होगा और ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें जो कि आपके पास्ट को याद कराए जो बंदा हमें हमारे पास्ट को भूलने नहीं देता हमारे हमारे से नेगेटिव बातें करता है उससे हमें हमेशा कोसो दूर रहना चाहिए तभी हम इंसान एक अच्छे इंसान पॉजिटिव इंसान ऑल टाइम रह सकते हैं ठीक है ये चीज़ हमेशा याद रखें क्या करना होगा हमें अपने आप से मुस्बत हम कलामी करनी होगी अकेले में बैठ के कि अल्लाह ये मेरे से गलती हो गई है मुझे एहसास है कि मैंने गलत किया मैं अब गुरो करना चाहती हूँ मेरी हेल्प करें तो इन अल्लाह ताला आपकी हेल्प करती हैं सोचों का रुख बदलना होगा आसानी से आप इस पछतावे की नज़र से निकल जाएंगे कहीं ऐसा ना हो कि हम डिप्रेशन के मरीज या कुछ ऐसा हमारी जिंदगी में आ जाए कि गलती के बाद हम सारी जिंदगी इसके अंदर रहे हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना होगा वो क्या है इस, इस आयत से भी हमारे लिए बहुत है कि हर इंसान के आमाल लम्हा लम्हा लिखे जा रहे हैं जो उसके अच्छे या बुरे अंजाम की निशानदही करते हैं और ये बुरे अमाल ही उसके लिए नाहौसत का सबब है क्यामत के दिन ये सारा नामा माल खोल कर रख दिया जाएगा और उसे अपना नामा एमाल पढ़ने के लिए कहा जाएगा क्या हम में से कोई इतनी ताकत रखता है कि हम लोग अपने आमाल को देख सकें या सुन सकें हम में से हम लोग तो अपनी आवाज रिकॉर्डेड अपनी आवाज को दोबारा सुन नहीं सकते ऐसा है ना कि जो चीज आपने कही अपना वॉइस मैसेज है या कुछ भी आप उसे दोबारा रिपीटली नहीं सुन सकते कुछ ऐसा होता है मेरे साथ तो होता है यकीन आप सबके साथ भी होता होगा अब करना क्या है इस आयत से हमें हमें अपने हर सेकंड के अमल पर नजर रखनी होगी कड़ी नजर जिसको कहते हैं ना कि हमने अपना जायजा लेना कि कहीं कहाँ कहाँ मैं अपने आम, मैं कहाँ कहाँ गलत चीज़ें अपनी जिंदगी में लेके आ जाती हूँ ठीक है इन फिर बाकी सूर्य बनी इसराइल की इन आयात को तो अपने पास हाईलाइट कर लें अपने मुसहब के अंदर अपनी कुरान पाक के अंदर आय नंबर ट्वेंटी थ्री से आय नंबर थर्टी नाइन तक इसमें क्या है जिंदगी गुजारने के ट्वेंटी फाइव कितने पच्चीस असूलो जवाब सिखाए गए हैं जिसकी इबदा भी तोहिद के साथ हुई है और आखिर में भी तो का जिक्र आया है इसी में वाले के साथ उसने सलूक आर्जी से कंधों को झुकाने और दुआ का जिक्र है सुबह ये पच्चीस असूल हमारी जिंदगी गुजारने के हैं सिर्फ इन चंद आयात के अंदर इनको हाई लाइट रखें जब भी जिंदगी में कुरान पढ़ें तो आपको याद आए कि यहाँ जिंदगी गुजारने के बहुत से असूल हैं रुक के ठहर के उनपे तदब्बर कीजिएगा जरूर इनशा फिर लास्ट जो कि कल टेक होम मैसेज भी था सिस्टर सभी की तरफ से भी सुबहान अल्लाह और ये वर्ड कुरान पाक के मिडल में आता है और एक हाई लाइटेड फॉर्म में लिखा हुआ है ना आपने नोट किया होगा ना थोड़ा सा मोटा सा करके लिखा हुआ है सुबहान अल्लाह और इसमें क्या हुक्म दिया जा रहा है किस चीज पे हमें आ, आ, कहा जा रहा है गौर करें जरा इस पे क्या कहा जा रहा है हमें हमें कहा जा रहा है कि लुत्फ नरमी से बात करो हर काम नरमी से करें नरमी से बात करें तो ये हमें करना होगा नरमी क्या चीज़ है नरमी हम क्यों करें नरमी की हमारे जहन में अगर नरमी की बात आए तो हम क्यों करें क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस चीज़ में भी नरमी होती है वो उसे जीनतदार बना देती है और जिससे ये निकाल दी जाती है उसे ऐबदार बना देती है तो हम में से हर एक को खूबसूरत लगने का बनने का शौक है ना है तो हमें क्या करना है इन शाह अपनी जिंदगी में नरमी लेके आनी है और एक और हदीस को हमेशा ख्याल में रखा करें कि जब अल्लाह ताला किसी ख़ानदान के लिए भलाई चाहते हैं तो उनमें नरमी डाल देते हैं वो फ्लेक्सिबल रवैये के मालिक होते हैं उनकी जिंदगियों में उनकी ईगो कहीं पे नहीं होती वो बहुत नर्म मिजाज होते हैं तो इनशाला कुरान पाक का ये जो वर्ड है जो मिडल में आ रहा है इसको अपनी जिंदगी में लिख छोड़े पाक के मिडल में कुछ ना कुछ तो हिकमत है कुछ ना कुछ तो ना में होने वाली है। अगर हम इसको अपना में और लास्ट पे इनशा ये था कि किसी काम को मुस्तबिल में करने का इरादा करें तो इनशा कहें दुनिया की कामयाबियां मालूमता को अल्लाह का फजल अता समझे अल्लाह के सिवा किसी की कुत नहीं कि वो अता कर सके ला वला इल्ला जन्नत के खजानों में से एक खजाना है दे दी जाए तो वो खुद ही उसकी हिफाजत करता है तो हमने अपनी जुबानों पर इनशाला माशा ये वर्ड इनशा हमने भी रखने और अपने बच्चों के जुबानों पर भी लाने की कोशिश करनी है अब बढ़ते हैं इनशाला अपने जुज की तरफ जो नंबर सिक्सटीन की तरफ आप सब तैयार हैं तो उससे पहले क्विकली से फ्यू सेकंड के अंदर जो कि आप कर सकते हैं वो क्या चीज़ है सदका और सुन्नत क्या चीज़ है सदका और सुन्नत हमारी मुस्कुराहट अगर हम मुस्कुराएंगे तो हम बैठे बैठे यहाँ पे सदका भी कर सकते हैं और सुन्नत भी कर सकते हैं आपको पता ही है कि मुस्कुराने के बेतहाशे फ़ायदे हैं हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है हैप्पी हारमोन्स रिलीज होते हैं हमारी स्ट्रेस रिलीज होती है हमारा फोकस बढ़ता है और सबसे ज्यादा बढ़ के क्या है कि ये सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, से ज्यादा कोई भी नहीं मुस्कुराता था चलेंगे मुस्कुराते हुए अपने जुज की तरफ बढ़ते हैं अल्लाह के जन से स्टार्ट लेते हैं बिस्मिल्लाह आप सब रेडी हैं तो चैट बॉक्स में एक स्माइली फेस भेजें और इंशाल्लाह हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا

मखलूक को किसी और मकसद के लिए नहीं बल्कि सिर्फ इस बात के लिए पैदा किया कि वो उस अकेले की इबादत करे जिसका कोई शरीक नहीं सोलवा पारा तू قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك उसने कहा क्या मैंने तुम ऐसी कहा न था की तुम मेरे साथ हरगज सब्र न कर सकोगे अब खजराम ने मजीद सख्ती की इन अल्फाज में तम भी पहले ऐसी सख्त है और ये भी मालूम होता है की दरगुजर दो दफा होता है तीसरी दफा कोई माफ न करे तो वह हक बजानब होता है यानी सबक सिखाने के लिए और इसी तरह ये के उस्ताद के लिए तालब इल्म को किसी उजर के तहत न पढ़ाने का जवाब भी मिलता है यानी अगर उस्ताद की कोई मसरूफियत है कोई वजह है और वो नहीं पढ़ाना चाहता किसी को तो वो इनकार भी कर सकता है लेकिन हसूल इल्म के लिए सब्र बहुत जरूरी है क्यूँके यहाँ पर खजर अल्लाम बार बार मूसलम को कहते हैं कि इन न कलम तस्तिया सबरा आप जानते हैं कि सलाम ने इल्म हासिल करने के लिए सफर किया अपने शागिर्द के साथ और कहा कि मैं उस वक्त तक सफर करता रहूंगा जब तक अपनी मंजिल न पालू तो इससे पता चलता है कि इल्म के लिए सफर जरूरी है फिर इसी तरह सफर में अगर किसी को साथ रखा जाए तो उसका भी बहुत फायदा होता है क्योंकि अगर इंसान खुद हिम्मत छोड़ने लगे तो दूसरा इंसान उसको मजबूत कर देता है और फिर ये के मूसा सलाम के अंदर ये जो डिटर्मिनेशन थी कि मैं उस वक्त तक चलता रहूंगा जब तक के मंजिल तक न पहुँच जाऊँ और फिर हुआ ये की मंजिल आई लेकिन पता न चला और आगे चले गए और फिर भी हिम्मत नहीं हार कामत इख्तियार की और वापस पलटे फरत आसारी मसा और फिर उन्हें अपना वो मकसूद मिल गया यानी खजर अल्लाम ऐसी मुलाकात हो गयी फजर अल्लाम जो थे उनको अल्लाह सुबहाना ने मिल्ला इल्मा। ताला कि हमने उसे अपने पास से एक इल्म सिखाया था तो इससे ये पता चलता है कि इल्म का असल सोर्स जो है वो भी अल्लाह सुबहाना की जात है और अल्लाह ताला ही सिखाता है और फिर मुसलम ने उनसे कहा हल अतब का अलामा और क्या मैं इस शर्त पर आपके पीछे आ सकता हूँ की आप मुझे उस भलाई में से सिखाए जो आपको सिखाई गयी तो इससे ये पता चलता है कि शागिर्द को उस्ताद के सामने आजी का इंकिसारी का मामला करना चाहिए और उससे पहले इजाजत लेनी चाहिए पूछना चाहिए तो उसने कहा तुम हरगिज मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे और जिस चीज का तुमने इल्म की रूह से अहाता ही ना किया उस पर सबर कर भी कैसे सकते हो लेकिन मूसा मुसल ले सलाम चूंकि अपने मकसद में सच्चे थे तो उन्होंने कहा सताजी दुनिया इन अल्लाह उबिरा आप मुझे जरूर सब्र करने वाला पाएंगे तो ये आप देख रहे हैं कि बार बार सब्र करने की बात आ रही है फिर वो कहते हैं अगर तुम मेरे पीछे आए तो मुझसे किसी चीज के बारे में सवाल न करना यानी जब तक मैं अपना काम कर न चुकूं तुमने मुझसे पूछना कुछ नहीं सब्र से काम लेना है लेकिन हुआ ये कि जब उन्होंने उस कश्ती के अंदर सुराख कर दिया तुम तो मुसा सलाम बेचैन हो गए उनसे सबर ना हो सका तो खिजर कहते हैं क्या मैंने तुमसे कहा ना था कि तुम सबर नहीं कर सकोगे तुम तो मुसलम फौरन माजरत करते हैं तो आखिज नहीं बेमानसी तो मैं भूल गया था आप मेरा मुआवजा न करें आप मुझे माफ कर दे फिर दोनों चले तो आगे जाकर उन्होंने एक बच्चे को कतल कर दिया अब मूसलाम जो थे वो फिर बेचैन हो गए इस पर उन्होंने फिर कहा अब ये तीसरी तम्बी थी कि मैंने कहा नहीं था कि तुम सबर नहीं कर सकते

तो उसने उसे खड़ा कर दिया यानी खजर अल्लाह सलाम ने दीवार बना दी मूसा ने कहा अगर आप चाहते तो इस पर कुछ उजरत ही ले लेते मूसा सलाम फिर बोल पड़े अब यहाँ पर फिर क्या होता है की जू ही खजराम का हाथ लगते ही दीवार मुजाना तौर पर खड़ी हो गई ठीक हो गई तो मूसा अल्ला सलाम जो इस बस्ती वालों के रवैये से पहले ही कबीदा खातिर थे यानी उनके दिल में एक मलाल था कि बस्ती वालों ने मेहमान नवाजी नहीं की क्योंकि उस जमाने में कोई रेस्टोरेंट्स और कोई ट्रेवलिंग के दौरान ऐसी जगह नहीं होती थी कि जहाँ मुसाफिर खुद कुछ खरीद के खा सके तो जहाँ से काफले गुजरते थे तो बस्ती वालों का काम होता था कि वो उनके लिए इंतजाम करें। लेकिन उसके बरस फजर सलाम ने बिला मुआवजा एहसान कर दिया तो वो बोल पड़े की बस्ती वालों ने तो न हमारी मुसाफरत का ख्याल रखा न जरूरत का ख्याल रखा और न शरफ और फजल का कितने बड़े लोग यहाँ से गुजर रहे हैं शायद उन्हें पता ही नहीं था कि एक मूसा है और एक खजर है दोनों ही अल्लाह के चुने हुए बंदे तो बाजूकात इंसान की शक्ल से नहीं भी पता चलता कि कोई अल्लाह का कितना बड़ा बली है और कितना बड़ा दोस्त है और इंसान उसके साथ जहालत का मामला करता है लेकिन अब हुआ क्या फिराकू बी खजर ने कहा यह मेरे और तुम्हारे दरमियन जुदाई का वक्त है मैं जल्द ही तुम्हें इन बातों की हकीकत बताऊंगा जिन पर तुम सब्र न कर सके जहाँ तक कश्ती का मामला है तो वो चंद मिस्किनों की थी जो समुन्दर में काम करते थे तो मैंने चाह की मैं उसे ऐबदार कर दू और उनके आगे एक बादशाह था जो हर कश्ती को गसब कर लेता था और जहाँ तक लड़के का ताल्लुक है तो उसके वाले मोमिन थे तो हमें डर हुआ कि वो उन्हें सरकशी और कुफर ऐसी आजिज कर देगा तो इससे ये पता चलता है कि बाजू का चीजें बाहर कुछ और नजर आती हैं लेकिन उनकी हकीकत कुछ और होती है मूसा सलाम को इस बात को समझने में मुश्किल हुई कि कश्ती के अंदर सुराख क्यों किया गया लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत थी कि अगर कश्ती में सुराख न किया जाता तो जो बादशाह जालिमाना तौर पर कश्तियां गसब कर रहा था अपनी किसी फौजी तैयारी के लिए वो ये कश्ती भी ले जाता और ये मिस्कीन लोग थे और इनका काम जाता और जहाँ तक लड़के का ताल्लुक है तो उसके वालिदैन मोमिन थे तो हमें डर हुआ कि वो उन्हें सरकशी और कुफर से आजिज कर देगा तो इससे ये पता चलता है कि मोमिन बंदों की आने वाले फितनों से हिफाजत की जाती है और अल्लाह के फैसलों में इंसान की भलाई ही होती है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बच्चे को खिजर अल्लाम ने कत्ल किया था वो काफिर पैदा किया गया था अगर वो जिंदा रहता तो अपने वालिदैन को सरकशी और कुफिर पर मजबूर कर देता तो वाल चूके नेक थे तो अल्लाह सबा ने उनके ईमान की हिफाजत की क्यूँकी औलाद फितना होती है और बात इंसान औलाद की मोहब्बत में वही काम शुरू कर देता है जो औलाद पसंद करती है चाहे वो अल्लाह ताला की नापरमानी का ही क्यों न हो वो अरदनाबद्दिल रबु हमां खेरम जकत अकरब रह तो हमने चाह की उन दोनों को उनका रब इसके बदले इससे ज्यादा पाकिजगी वाला और शफक़त में करीबतर बच्चा अता करे और जहाँ तक दीवार का मामला है तो वो शहर के दो यतीम लड़कों की थी और उसके नीचे उन दोनों का खजाना था और उनका बाप नेक आदमी था तो तेरे रब ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुँचे और तेरे रब की मेहरबानी से अपने खजाने को निकाल ले और ये मैंने अपनी राय से नहीं किया ये उन बातों की हकीकत है जिन पर तुम सब्र न कर सके बाजुकात इंसान की जिंदगी में ऐसे हालात और वाकियात पेश आ रहे होते हैं की जिसकी वजह से इंसान समझता है की उसके साथ बड़ा जुलम हो रहा है बड़ी ज्यादा हो रही है और उसके साथ अच्छा नहीं हुआ मेरी जिंदगी में ये होना नहीं चाहिए था लेकिन अल्लाह सब को ज्यादा पता है कि किस बंदे को किन हालात से गुजारना चाहिए और कौन सी चीजें किसके लिए कितनी फायदा मंद है और फिर यहाँ एक और बड़ी अहम बात है कि साले होना नेक होना उसका फायदा ना सिर्फ ये कि खुद इंसान को पहुंचता है बल्कि उसकी आगे की नस्लों को भी पहुंचता है साले लोगों की औलादों के साथ खास रियायत की जाती है यानी दुनिया में भी और आखिरत में भी कि उनको उनके वालिदैन के साथ मिला दिया जाएगा और वालिदैन की नेकियों के सबब औलाद की परेशानियां भी दूर होती हैं, यानी जब उनकी दुआएं होती हैं और उनकी तरबियत होती है डॉक्टर नबील कहते हैं मुझे जब नवाफिल की अदायगी में सुस्ती और काहली होने लगती है तो मुझे मेरे बेटे और दुनिया की परेशानियां याद आ जाती हैं कि कहीं नवाफिल की अदायगी में मेरी सुस्ती और काहली मेरी औलाद की परेशानियों का सबब न बन जाए यानी अगर मैं इबादत में कभी करूंगा तो कहीं ये चीज मेरी औलाद के ऊपर असरअंदाज न हो अब्दुल्ला बिन मसूद जब रात में नवाफिल अदा कर रहे होते तो अपने छोटे बच्चे को सोया हुआ देख कर कहते थे बिन अजल का या बुनैया अः मेरे बेटे ये तेरे रोशन मुस्कबिल के लिए है और रोते हुए अल्लाह ताला का ये कौल पढ़ते वाना अबू हु मासा लिहा की उन दो यतीम बच्चों का बाप बड़ा नेक था लिहाजा उसके मरने के बाद उन यतीम बच्चों के खजाने को महफूज किया गया वमरी और बड़ी अहम बात उन्होंने ये की ये सब कुछ मैंने अपने हुक्म ऐसी अपनी मर्जी ऐसी नहीं किया गाली कथा अबील तस्ते आ सबरा ये है अंजाम उस चीज का ये है खबर उस चीज की जिस पर तुम सबर नहीं कर सके यानी मूसा जिन बातों की हकीकत और अहमियत को समझ ना पाए वो उन्होंने वाजे कर दी वयस अलू नंजिल करना अतलुआल मिनहुकर और ये आपसे जुल जुलकरनैन के बारे में पूछते हैं आप कह दीजिए कि मैं उसका कुछ हाल तुम्हे पढ़कर सुनाऊंगा जुल करनैन जो है कर्म सीन को कहते हैं दो सींगों वाला अरबों में बहादुर इंसान के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता था और ये भी कहा जाता है कि जो ताज वो पहनता था उसके ऊपर सींग भी बने हुए थे और एक वजह यह भी बताई जाती है कि वो जमीन के मशरे और मग़रब के दोनों किनारों तक जा पहुंचा और ये भी कहा जाता है कि उसके सर के बालों की दो मेढिया बनी हुई थी जिसको गुत कहते हैं और ये चारों बातें बयक वक्त भी हो सकती है और इनमें से कुछ भी हो सकती है इन्ना मक्कन्ना फिल अर्द बेशक हमने उसे जमीन में इकतेदार दिया था और उसे हर चीज के असबाब अता किए थे इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया की हर चीज इसका मतलब यह है कि जो उसकी जरूरत का सामान था जिसकी उसे अपने इकतदार के लिए जरूरत थी मसलन उसकी कुत उसकी शुजात उसकी तदवीर और राय फौज दौलत असल सामान्य सफर तामीर और तरक्की के जराये ये सब कुछ उसको दिए गए थे वो तो अतबा सबाबा तो वो एक रास्ते पर चला यानी उसने इस्बाब अख्तियार इस किए और वो चल निकला यहाँ तक कि जब वो सूरज के गरुब होने की जगह पहुँच गया तो उसने उसे एक कीचड़ वाले चश्मे में गुरूब होते हुए पाया और उसके पास एक कौम को पाया हमने कहा ऐ एजुलकर तुम्हे इख्तियार है खा तुम उन्हें सजा दो या ये कि तुम उनके मामले में अच्छी रविश इख्तियार करो यानी जैसा चाहो मामला करो उसने कहा जो शख्स जुल्म करेगा उसे तो हम सजा देंगे फिर वो अपने रब की तरफ लौटा दिया जाएगा तो वो उसे सख्त तरीन अजाब देगा यानी हम सिर्फ जालिमों को सजा देंगे सब लोगों को नहीं ये होती है इंसाफ पसंदी वो अम्मा अमिला और जो ईमान लाएगा और नेक नकमल करेगा तो उसके लिए बेहतरीन जजा होगी और हम भी उसे अपने काम में आसान हुक्म देंगे तुम्मा अतबा सबबा फिर वो एक और रास्ते पर चला यानी इस बस्ती ऐसी पारिग हो एक और मुहिम इख्तियार की असबाब को इख्तियार किया यहाँ तक के जब वो सूरज के तुलु होने की जगह पहुँचा तो उसने उसे ऐसे लोगों पर तुलु होते हुए पाया कि जिनके लिए हमने सूरज से बचाव के लिए कोई ओट नहीं बनाई थी वाक इसी तरह था और जो कुछ उसके पास था हमने उसका इल्म से इहाता कर रखा था यानी जुल कर जो कुछ भी कर रहा था अल्लाह सुबहाना उसको देख रहे थे सबबा फिर वो एक और रास्ते पर चला यहाँ तक कि जब वो दो दीवारों यानी पहाड़ों के दरम्यान पहुँचा तो उसने उन दोनों के उस तरफ ऐसे लोगों को पाया जो बात समझने के भी करीब न थे उन्होंने कहा एजुलकर बेशक याजूज और माजूज इस जमीन में फसाद करते हैं तो क्या हम तुम्हारे लिए कुछ खर्च का इंतजाम कर दें ताकि तुम हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दो सवाल ही पैदा होता है कि उनकी तो कोई बात ही नहीं समझता था तो जुल करनैन को इतनी बड़ी बात कैसे समझ आ गई यानी कैसे गुफ्तु की कम्युनिकेट कैसे किया एक तो यह है कि हो सकता है कि इशारों की जबान से बात समझाई हो और दूसरा ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उनको इस बोली की समझ दे दी हो जहाँ इतने असबाब और दिए थे इतने रिसोर्सेज दिए थे वहाँ यह भी दिया जैसे दाऊद और सलेमान सलाम को अल्लाह ताला ने परिंदों की बोलियां सिखा दी थी और सलेमान सलाम तो चूंटी की जुबान भी समझते थे उसने कहा मेरे रब ने जिस चीज में मुझे कुदरत अता की है वही बेहतर है बस तुम अफरादी कुत के साथ मेरी मदद करो मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत बंद बना दूंगा तुम मुझे लोहे की चादरें ला दो यहाँ तक कि जब उसने दोनों पहाड़ों के दरमियानी खला को बराबर कर दिया तो कहने लगा इसमें फूको यहाँ तक कि जब उसने उसे आग बना दिया तो कहा लाओ मेरे पास कि मैं इस पर पिघला हुआ उंडेल दूं। दीवार के मुतालिक असल मालूम तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है और ये भी कि उसमें लोहे और तांबे की कितनी मकदार सर्फ हुई और उसकी बुलंदी तक उस लोहे को सुर्ख कैसे किया गया क्योंकि बहुत ऊंची दीवार बनाई गई थी यानी जमीन पर तो कोई चीज जला के उसे गर्म करके लेकिन उसे फिर इतना ऊपर चढ़ाया कैसे गया और फिर यह है कि उसके ऊपर से जो सीसा उंडेला गया था तांबा उंडेला गया था वो वहां तक पहुंचाया कैसे गया कि ऊपर से उसको पिघला के डाला जा रहा था और फिर ये इतनी मोटी दीवार होगी जो सुरख हुई और फिर उसमें तांबा उंडेला गया क्योंकि वो ठंडी दीवार नहीं थी तो ये सब कुछ कितनी मुद्दत में हुआ इसके बारे में सिर्फ अल्लाह ही को पता है हमारे पास कोई मालूम नहीं एक और बड़ी अहम बात ये जुल कर नैन बजाते खुद दीवार की तामीर में शरीक रहा यानी बनफसे नफीस खुद इस काम में शरीक रहा बल्कि अपने हाथों से ये काम करता रहा हालांकि वो बहुत कबीब मजबूत किस्म का बादशाह था और बहुत रिसोर्सेज थे उसके पास लेकिन फिर भी उसने खुद काम किया और यही सुन्नत है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप काबा की तामीर में मस्जिद नबी बनाने में खंदक खोदने में बनफ बराबर के शरीक रहे इसी तरह इब्राहिम के बारे में आता है कि खाना काबा की तामीर उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर खुद की तो आप खुद सोचिए यह तो मिसरी मजदूर का काम होता है लेकिन उन्होंने इसमें कोई आर नहीं समझी और इसी तरह ये काम भी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम की और फिर इब्राहिम अलैहि सलाम और इस्माइल अलैहि सलाम अल्लाह के घर को साफ रखा करते थे यानी सफाई का काम भी किया तो कोई भी काम छोटा नहीं होता असल बात यह है कि इंसान देखे कि वो किस नीयत से कर रहा है क्यों कर रहा है और उसके करने से किसको राजी करना मकसूद है हमारे यहाँ जैसे कुछ कामों को बड़ा अहम समझा जाता है और कुछ कामों को हकीर समझा जाता है तो बाजात एक मामूली काम जो होता है वो भी इंसान को जन्नत तक पहुंचाने का सबब बन जाता है जैसे वो एक बादशाह खातून थी जिसने कुएं के अंदर उतर कर कुत्ते के लिए पानी निकाला था अपने मौजिद के अंदर तो उसको बख्श दिया गया उसके बदले उसको जन्नत दे दी गई इसलिए इंसान के अंदर किसी किस्म का आर और तकबर नहीं होना चाहिए जो भी इंसान को किसी भी काम का नेकी का मौका मिले वो करे हाँ अगर उस काम को कोई और कर सकता तो आप उसको डेलीगेट कर दे और आप कोई और कर ले जो आप कर सकते और कोई और नहीं कर सकता यानी जान बूझ कर अपने लिए आसान काम नहीं ढूंढने चाहिए वो काम करे जो आपको आता है और किसी और को नहीं आता तो बहरहाल फिर ना तो वो उस पर चढ़ने की ताकत रखते थे और ना ही उसमें कोई सुराह कर सकते थे उसने कहा ये मेरे रब की तरफ से एक रहमत है फिर जब मेरे रब का वादा आ जाएगा वो इसे रेजा रेजा कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है अब जुल्कनैन की सोच मोमिनों वाली सोच थी उसने दीवार बनाकर इसे अपना कारनामा करार नहीं दिया बल्कि अपने रब की रहमत करार दिया जिसकी बदौलत वो लोग याजूज माजूज के हमलों से महफूज हो गए इसके साथ ही उसकी मजबूती के बावजूद उसे लाजवाल करार देने की बजाय क्या फरमाया कि जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसे जमीन के बराबर कर देगा और मेरे रब का वादा हमेशा से सच्चा है इससे पता चलता है कि वो मोमिन बादशाह था अल्लाह पर भी ईमान रखता था और उसके साथ साथ आखिरत पर भी इसके बरक्स आप देखिए कि इसी सूरत के अंदर बाघ वाले ने क्या कहा कि मेरा बाघ कभी बर्बाद नहीं होगा तो मोमिन और काफिर की सोच का बहुत बड़ा फर्क होता है और इस दीवार के पीछे याजूज माजूज थे और याद रखिए कि याजूज माजूज रोजाना दीवार में सुराख करते हैं हदीस से हमें पता चलता है मुस्रद अहमद की रिवायत है और जब इतना सुराख कर लेते हैं कि जिससे सूरज की शुवाए देख सके तो उनका सरदार कहता है कि अब वापस लौट चलो कल तुम इसे गिरा दोगे लेकिन वो अगले दिन वापस आते हैं तो पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक वो अपनी मुद्दत को नहीं पहुँच जाते की जब उन्हें निकलना है और जब अल्लाह जबल्लाह का इरादा होगा कि अब इन्हें लोगों पर मुसलत कर दे तो वो इसमें सुराख करेंगे और जब इतना सुराख कर चुकेग कि जिससे सूरज की श्वाय देख सकें तो उनका सरदार कहेगा कि अब वापस चलो कल तुम इन शह इसे गिरा दोगे चनाचे जब वो अगले दिन वापस आएंगे तो दीवार उसी हालत पर होगी जिस पर वो उसे छोड़ कर गए होंगे और वो उसे गिरा कर लोगों पर चढ़ दौड़ेंगे और फिर ये अल्लाह के, अल्ला के नबी ईसा सलाम और उनके साथी जो है वो महसूर होकर रह जाएंगे क्यूँकी हर तरफ ये जूझ माजूज फैल जाएंगे हती की उनमें से किसी एक के लिए बैल का सर उससे बेहतर कीमती होगा जितना आज तुम्हारे लिए सौ दिनार है यानी इतने मुश्किल हालात हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ईसा अल्लाम और उनके साथी गिड़ गिड़ा गिड़, गिड़ गिड़ा कर दुआएं करेंगे तो अल्लाह तालाजूज माजूज पर उनकी गर्दनों में कीड़े का अजाब नाजिल कर देगा तो वो सब एक इंसान के मरने की तरह उसका शिकार हो जाएंगे। फिर अल्लाह के नबी ईसा सलाम और उनके साथी उतर कर मैदानी जमीन पर आएंगे तो उन्हें जमीन में एक बालिश भर भी जगह नहीं मिलेगी जो उनकी गंदगी और बदबू ऐसी भरी हुई न हो क्यूँकी लाशें ही लाशें पूरी जमीन पर होंगी इस पर अल्लाह के नबी ईसा सलाम और उनके साथी अल्लाह के सामने गिड़ गिड़ाएंगे तो अल्लाह बुख्ती ऊंटो जैसी लम्बी गर्दनों वाले परिंदे भेजेगा जो इन्हें उठाएंगे और जहाँ अल्लाह चाहेगा जा फेंकेंगे फिर अल्लाह ऐसी बारिश भेजेगा जिससे कोई घर ईटों का हो या ऊन का ओट मुहैया नहीं कर सकेगा वो जमीन को धोकर शीशे की तरह साफ छोड़ देगी तो ये होने वाला है और ये आज माजूज के बारे में सही आदि से मालूम मिलती है तो अल्लाह ताला हर फितने से बचाए और फिर आप देखिए कि दोनों मरतबा ईसा सलाम का रवैया क्या है दुआ गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के दुआ वो खुद भी करते हैं और उनके साथी भी करते हैं तो मुश्किल का हल यही होता है जब मुश्किल आए अल्लाह के आगे आहुजारी करे बता रखना बाम यमू जुफी बाफिस और उस दिन हम इनके बाद को छोड़ दें बाज में मौजू की तरह टकराए और सूर में फूक दिया जाएगा, तो हम इन सब को इकट्ठा करके जमा कर लेंगे यानी उस दिन ऐसी मुराद है कि जुलकर नैन की बनाई हुई दीवार के मिसमार होने के दिन या माजूज समुंदर की मौजों की तरह बेहिसाब तादाद में यलगार करते हुए निकलेंगे इसी कैफियत को सूरत अलम्बिया में बयान किया गया वह मिनकुल हद अबी सुलून की वो हर बुलंद जगह ऐसी दौड़ते हुए उतरेंगे और उस दिन हम जहन्नम को काफिरों के सामने पेश कर देंगे वो लोग जिनकी आंखें मेरे जिक्र से पर्दे में थी और वो सुनने की इस्तेतात भी न रखते थे क्या फिर वो लोग जिन्होंने कुफर अख्तियार किया ये समझते हैं कि वो मुझे छोड़कर मेरे ही बंदों को कारसाज बना लेंगे बेशक हमने तो जहन्नम को काफिरों के लिए बतौर मेहमानी तैयार कर रखा है अब यहाँ पर आप देखिये की बदों को जो कारसाज बनाना है जैसे मसी अल्सम को बना लिया गया उजैर अल्लाम को रूहल कदुस को फरिश्तों को और दीगर मखलूकत को तो क्यामत के दिन इनमें से कोई भी काम नहीं आएगा कुल कुलहल्लू उकुम बिल अक्सर आमाल आप कह दीजिए क्या हम तुम्हे बताए की अमाल के अतबार से सबसे ज्यादा खसारे में कौन है फिल हयात ये वो लोग है जिनकी सारी कोशिशे दुनिया की जिंदगी ही में गुम हो गयी और वो समझते रहे की वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं ये कौन लोग है जो दुनिया में रह रहे हैं दुनिया के लिए आखिरत की फिक्र नहीं करते और समझते हैं कि दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए और तरक्की देने के लिए जो काम उन्होंने किए हैं वो बहुत शानदार है और ये उनको आगे भी शायद फायदा देंगे नहीं और वो समझते है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं यानी दुनिया में डूबे हुए हैं गाफिल है और साथ ही ये समझते है कि वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं हालांकि जो काम आखिरत की नीयत से ना किया जाए और सिर्फ दुनिया के फायदे के लिए किया जाए उसका फायदा फिर सिर्फ दुनिया तक ही मिलता है इंसान को और फिर अगर अकीदे की खराबी भी हो या रियाकारी भी हो तो मजीद अमल को जया कर देती है यानी दुनिया का काम भी अल्लाह की रजा के लिए किया जाए तो अजर सवाब का बायस है और दीन का काम भी दुनिया के फायदे के लिए किया जाए तो उसका कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला और इसी तरह आप देखिए कि तन्हाई में हराम काम करने वालों के अमाल भी जया हो जाएंगे सोबान रजी अल्लाह से रिवायत है की नबी सल्लाम ने फरमाया मैं अपनी उम्मत के उन लोगों को जानता हूँ जो क्यामत के दिन तिहामा पहाड़ों की माने ढेरों नेकिया लेकर आएंगे लेकिन अल्लाह उनकी नेकियों को फजा में फैले हुए गुब्बार के बारीक रेजों की तरह बेअहमियत कर देगा फोबान ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसे लोगों की सिफात बयान कर दीजिए यानी इनकी जरा वजाहत कर दीजिए कहीं ऐसा ना हो कि हम ला इल्मी में उनकी सफ में खड़े हो जाएं आपने फरमाया खबरदार वो तुम्हारे ही भाई होंगे तुम्हारी ही नस्ल से होंगे रात को तुम्हारी तरह क्याम करेंगे लेकिन वो ऐसे लोग होंगे कि तन्हाइयों में अल्लाह के हराम करदा उमूर का इरतकब करेंगे अकेले में हराम काम करेंगे तो जो इंसान मुतकी होता है वो सिर्फ उस वक्त नेक नहीं होता जब लोग उसे देख रहे हो वो सिर्फ महफिल में नेक नहीं बनता या मखसूस जगहों पर जाकर नेक नहीं होता वो अकेला भी हो तो नेक ही होता है वो तन्हाई में हो तो भी नेक होता है वो उस वक्त ये समझता है की इस वक्त मुझे अल्लाह देख रहा है जो बंदों से भी ज्यादा बड़ा है तो इसलिए हम सब देखे हम तन्हाई क्यूँ चाहते हैं ये अकेले में हम क्या काम करते हैं और खास तौर पर ये एक बहुत बड़ा फितना के इस वक्त उस सेल पर हर गलत चीज अवेलेबल है यू नेम इट और जिन लोगों को इसकी एडिक्शन हो जाती है फिर उन्हें तनहाई चाहिए होती है कि कोई ना देखे कि मैं क्या कर रहा हूं तो अपने बच्चों को भी ये हदीस बताइए कि माँ बाप ही का देखना देखना नहीं होता सबसे बढ़कर तो अल्लाह ताला देखता है क्योंकि माँ बाप कब तक देख सकते हैं और कितना रोक सकते हैं उनके अपने अंदर एक डेटरेंट होना चाहिए और अपने अंदर एक मीजान होना चाहिए कि वो खुद अच्छे बुरे में फर्क कर सके यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयत का और उसकी मुलाकात का इनकार किया तो उनके अमाल जाया हो गए बस क्यामत के दिन हम इनके लिए कोई वजन कायम न करेंगे यही जहन्नम इनका बदला है इसलिए कि इन्होंने कुफर किया और मेरी आयत और मेरे रसूलों को मजाक बना लिया था बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नए कमल किए उनके लिए फिरदौस के बागत बतौर मेहमानी होंगे यानी पीछे कुफार का सिला बताया जा रहा है और यहाँ ईमान की मेहमानी का जिक्र है और फिर ऐसे बाग को कहते हैं जिसमे तमाम बागों के दरख्त फूल और पौधे हों यानी हर तरह के पौधे और फल फूल हों तो जब भी सवाल करे अल्लाह से जन्नत का तो जन्नत फिरदौस मांगे खालिदी फीहा ला यबगून अनहा वो उनमें हमेशा रहने वाले हैं वो कहीं और मुंतकिल न होना चाहेंगे क्योंकि जन्नत से बेहतर कोई ऐश की जगह ही नहीं कि जहां से इंसान जाना चाहे दुनिया में तो एक जगह पुरानी हो जाती है तो फिर उससे इंसान उकता जाता है लेकिन जन्नत में तो हर नेमत पहले से भी बेहतर होती चली जाएगी बहर बहुमी कलि रबी आप कह दीजिए अगर मेरे रब के कलेमात लिखने के लिए समुन्दर रोशनाई बन जाए तो यकीन वो समुन्दर भी खत्म हो जाए इससे पहले की मेरे रब के कलेमात खत्म हो और अगर चे हम इसकी मानंद और भी समुन्दर उसकी मदद के लिए ले आए कोई भी महदूद चीज लिमिटेड चीज ला महदूद का अहाता नहीं कर सकती यानी जो चीजें फना होने वाली है वो इन्फिनेट का अहाता यानी उसको नहीं घेर सकती समुंदर एक मखलूक है जिसकी एक हद और इंतहा है जबकि अल्लाह का कलाम उसकी सिफत है मखलूक नहीं है और न ही अल्लाह की जात की कोई इंतहा है और न उसकी सिफात की इसलिए अगर अल्लाह के कलेमात लिखने के लिए सारे समुद्र से आई बन जाए और जमीन के सारे दरख्त कलम बन जाए और इतनी सियाही और भी आ जाए बल्कि मजीद साथ समुन्दर सयाही बन जाए सबके सब खत्म हो जायेंगे मगर अल्लाह के कलेमा खत्म न होंगे तो अल्लाह का इलम कितना बड़ा है इंसान की अक्ल एहात ही नहीं कर सकती और ये जो बात है ना कलिमात अनलिमिटेड है अब जब दुआ करते हैं ना तो मैं अल्लाह के तमाम यानी वो कलिमा जो अल्लाह के इल्म में उन सब के जरिए क्योंकि अल्लाह की सिफत है ना अल्लाह का कलाम तो अल्लाह की पनाह भी ली जा सकती है और अल्लाह की सिफात की पनाह भी ली जा सकती है तो मैं उन सारे कलिमा यानी जो भी हिफाजत के कलिमात है या इसके अलावा कलिमात उन सब के जरिए मैं अल्लाह की पनाह में देती हूँ अपने आप को या अपने बच्चों को जैसे इब्न अब्बास कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन और हुसैन को दम करते और फरमाते तुम्हारे दादा इब्राहिम अलैहि सलाम भी इन्हीं कलिमात से इस्माइल और इसहाक अलैहि सलाम को दम करते थे मिन अब कल मिनकुल्ल व मिन मिनकुल्ल आईन लामत इसी तरह घबराहट के वक्त अल्लाह के सारे कलिमात की पनाह पकड़ा करें अबूजबी कलिमात ही व शर इबादी आप कह दीजिए बेशक मैं तुम जैसा ही एक इंसान हूँ मेरी तरफ तो वही की जाती है की तुम्हारा मबूद सिर्फ एक ही महबूद है तो जो कोई भी अपने रब ऐसी मुलाकात की उम्मीद रखता हो उसे चाहिए की वो नेकमल करे और अपने रब की इबादत में किसी और को शरीक न करे यानी किसी इंसान को किसी बुद्ध को किसी पत्थर हजर शजर को किसी चीज को नहीं और इसमें शिर अकबर से भी मना किया जा रहा है और शिर असगर यानी रियाकारी से भी कि जो नेकी का काम है वो अल्लाह के लिए करे किसी और को बीच में शरीक नहीं करे यानी किसी और को बीच में खुश करने की बात न सोचे सूरत मरियम क्या ये जिक्र है आपके रब की रहमत का अपने बंदे जकरिया पर जकरिया सलाम अम्बिया बनी इसराइल में से हैं ये बढ़ई थे कारपेंटर और इनका पेशा इनका जरिया आमदनी था इतना अन खफिया जब उसने अपने रब को निहायत आहिस्ता आवाज से पुकारा था चुपके चुपके क्यूँ पुकारा क्यूँकी दुआ ही ऐसी थी की सबके सामने अगर मांगते तो लोग हंसना शुरू कर देते इंतहाई बूढ़े हो चुके थे और उस वक्त औलाद मांग रहे थे अल्लाह की रहमत मायूस मायूसी नहीं हुए जाहिर ये मकान भी नहीं थे और दूसरी वजह यह है कि अल्लाह सुबहान ताला ने भी हमें चुपके चुपके पुकारने का हुक्म दिया है क्योंकि जो दुआ चुपके चुपके पुकारी जाती है उसमें कोई रियाकारी नहीं होती दिखावा नहीं होता और इंसान की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है उसने कहा अ मेरे रब बेश मेरी हड्डिया कमजोर हो गई है और मेरा सर बुढ़ापे ऐसी बड़ा कुठा है और ऐ मेरे रब में तुझसे दुआ मांग कभी नाम नहीं हुआ यानी जिस तरह लकड़ी आग से भड़क उठती है इसी तरह मेरा सर बालों की सफेदी से भड़क उठा है यानी इंतहाई शदीद बूढ़ा हो चुका हूँ तो इससे ये पता चलता है की अगर जाहिर असबाब ना भी हो तो दुआएं करते रहना चाहिए ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है आपको जिंदगी में बहुत सी चीजें मुश्किल लगती होंगी और आप सोचते हो गे ये नहीं हो सकता ये भला कैसे हो सकता है आप अपने आप को ना देखें आप इंसानों को ना देखें आप दुनिया के वसाइल को ना देखें आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत को देखे उसकी रहमत को देखे उसके कमाल को देखे उसके लिए तो कोई काम भी करना कुन फून है उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं इसलिए जो भी आपके जिंदगी में आपके दिल में तमन्नाएं हैं, दुआएं हैं मकासिद हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो कोशिश के साथ साथ मांगते रहे मांगते रहे मांगते रहे कभी भी ना उम्मीद ना हो कभी भी मायूस ना हो कभी भी अल्लाह से नाराज ना हो कभी बदगुमान ना हो कभी ये ख्याल आए ही ना कि नहीं अल्लाह मेरी दुआ नहीं कबूल करेगा अल्लाह ने तो शैतान की बात भी मान ली थी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले हैं अल्लाह से मोहब्बत करते हैं भला वो हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल करेगा और अगर अल्लाह सुभान व तआला की इस बात का तकाजा करती है कि इसको ये चीज दुनिया में देने की बजाय इसके बदले इसके दर्जात आखिरत में बुलंद कर दिए जाए तो ये भी हमारे लिए सरासर फायदे की बात है लेकिन मायूसी से निकल आए जाहिर इसबाब ना भी हों तो दुआए करते रहे और बेशक मुझे अपने पीछे वारिसों का डर है और मेरी बीवी बांझ है बस तू मुझे अपने पास से एक वारिस अता कर दे मवाली जो है मौला की जमा है इससे मुराद करीबी रिश्तेदार चचा के बेटे जो औलाद न होने की सूरत में वारिस बनते हैं असाबाद जो है तो मतलब यह है कि मुझे इनमें से कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आता कि जो इस लायक हो कि मेरे मरने के बाद बनी इसराइल की रहनुमाई का फरीजा सर अंजाम दे सके और मेरा और आले याकूब का इल्मी और अमली वारिस बन सके जिससे तेरे दिन पर अमल और उसकी दावत तबलीग का सिलसिला जारी रह सके बल्कि मुझे उनसे ये खतरा है कि वो दीन को बिगाड़ देंगे और अपनी मनमानियां करेंगे तो आप देखिए कि औलाद मांगने का मकसद भी क्या है हम में से आम इंसान जो दुनियादार लोग हैं, वो जब औलाद मांगते हैं ना, तो किस लिए मांगते है ताकि वो हमारे माल की वारिश बने हमारे बुढ़ापे का सहारा बने हु? और यहाँ कितना आला मकसद है औलाद मांगने का की वो इस दीन के काम की वारिश बने और हमारे लिए सदका इजारिया बने यरी सुनी वरी सुमिन आलिया याकूब वह जालू रब भी रदिया जो मेरा वारिस और आले याकूब का वारिस भी हो और ऐ मेरे रब तू उसे पसंदीदा बना ले रदिया यानी जिससे अल्लाह राजी हो जिससे अल्लाह मोहब्बत करता हो क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जबरील अल्लाम से कहता है कि बेशक अल्लाह ताला फुला बंदे से मोहब्बत करता है तू भी उससे मोहब्बत कर तो जबरील भी उससे मोहब्बत करते हैं, फिर जुबरील आसमान वालों में ऐलान करते हैं कि अल्लाह ताला फलां शख से मोहब्बत करते हैं सो तो तुम भी उससे मोहब्बत करो तो आसमान वाले उससे मोहब्बत करते हैं फिर उसके लिए जमीन में कबूलियत रख दी जाती है तो औलाद मांगे तो नेक औलाद मांगे और ऐसी औलाद जिससे अल्लाह राजी हो जाए और अगर पहले नहीं भी मांग सके तो अब मांग ले कि कयाल्ला तू हमसे और हमारी औलाद से राजी हो जा हम तुझे एक लड़के की खुशखबरी देते हैं। अल्लाह ने दुआ सुन ली जिसका नाम याहिया होगा नाम भी खुद रख दिया हमने इससे पहले इसका कोई हम नाम नहीं बनाया अनोखा नाम यूनिक नेम और दौरान नमाज ही फरिश्तों के जरिए बशारत दे दी गई थी और इसमें अलैहिस्सलाम की फजीलत की दो बातें सामने आती हैं। कि अल्लाह ने खुद उनका नाम रखा सुबहान अल्लाह कितनी बड़ी सादत है और फिर ऐसा नाम रखा जो पहले किसी का नहीं था और याहिया का मतलब होता है जिंदा रहे और इसे ये पता चलता है कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसका नाम रखा जा सकता है उसने कहा ऐ मेरे रब मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे के इंतहाई दर्जे को पहुँच चुका हूँ फरमाया इसी तरह तेरे रब ने फरमाया है ये मुझ पर बहुत आसान है और मैंने इससे पहले तुझे भी पैदा किया जबकि तू कुछ भी न था अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है अल्लाह के लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं उसने कहा ऐ मेरे रब मेरे लिए कोई निशानी मुकरर फरमा दे फरमाया तेरी निशानी ये है कि तू तंदरुस्त होने के बावजूद तीन रातों तक लोगों से बात न कर सकेगा बात नहीं कर सकोगे यानी तंदुरुस्त होने का मतलब ये कि तुम्हारे आजाद सही सलामत होंगे लेकिन तुम बात न कर सकोगे यहाँ तीन रातों का जिक्र है, हैूरत इमरान में तीन दिनों का जिक्र है तो वो रात तीन दिन और तीन रातें दोनों ही हैं। तो जब ऐसी कैफियत आए कि तुम बोल ना सको तो समझो कि हमल करार पा गया है ये अलामत होगी और इसके साथ ये कि लोगों की जबान भी बंद हो गई थी अल्लाह के जिक्र और तस्वीर और तहमीद से नहीं बस वो करते रहते थे वाला कौमी ही मिनल मेहराब बस वह इबादत गाह ऐसी निकल कर अपनी कौम के पास आया फिर उनकी तरफ इशारा किया की कि सुबह और शाम अल्लाह की तस्बी करो सुबह शाम अल्लाह की तस्बीर करो यानी हमल की निशानी के तौर पर जबान बंद हो गई, तो इशारे से लोगों को पहले और पिछले पहद अल्लाह की तस्बी का हुक्म दिया क्योंकि खुद उन्हें अलामत जाहिर होने पर इसी चीज का हुक्म दिया गया था तो इससे ये पता चलता है कि जब इंसान को कोई खुशखबरी मिले कोई बशारत मिले कोई कामयाबी मिले तो इंसान क्या करे अल्लाह ही को याद करे अल्लाह ही की तस्बी करे सुबहान अल्लाह कहे अल्हमदुल्लह कहे या खुदिल किताब अभी कुवा। ए किताब को मजबूती से पकड़ लो और हमने उसे बचपन ही से हमत अदा की थी यानी यही सलाम जब पैदा हुए और अभी बच्चे ही थे तो वालिद के जानशीन के तौर पर तैयार करने के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि तौरात को कु्वत के साथ पकड़ो यानी इसे हिफ्स करो इसका मतलब समझो इस पर अमल करो इसके अहकाम पर पूरी कुत के साथ अपने आप पर और अपनी कौम पर नाफिज करो तो बचपन से यही आलाम ने ये काम शुरू कर दिया और याम को खास तौर पर अल्लाह तला ने फैसला अता की थी वह आतना हलहुक्म सबिया बचपन में ही डिसीजन पावर बहुत जबरदस्त थी उनके अंदर वो लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते जिनकी डिसीजन पावर कमजोर होती है वो हर वक्त दो चीजों के बीच में दो डावा डोल रहते हैं ये करूँ या ना करूँ करूँ तो कहीं कोई नुकसान ना हो वो खतरात से डरते हैं नुकसान से डरते हैं तो ऐसी सूरत में इंसान को डरने की बजाय जो करना है उसे कर गुजरना चाहिए और उसके लिए इंसान इस्बाब का जायजा ले इस्ते करे और जो नेकी का काम है उसमें बिस्मिल्लाह करके कदम रख दे और अगर कोई ये कहे कि बचपन में ये सब कुछ कैसे हो सकता है आज भी आप देखें आप न्यूज में देखते रहते हैं अब तो वीडियोज भी आने लग जाती हैं कि बाज बच्चे बचपन में ही बात कर रहे होते हैं कलाम हिफ्स किया होता है अल्लाह ताला का और अनहोनी चीजें उनसे सादिर हो रही होती हैं पहले जमाने में तो ये बिलीव करना शायद मुश्किल था लेकिन आज तो हम अपनी आंखों से देख लेते हैं वो वीडियोस जिनके अंदर ये सारी चीजें हो रही होती हैं और बाज बच्चे बचपन के अंदर ही बेहतरीन तरीके से कलाम पढ़ने लगते हैं सूरतों पर सूरते याद कर लेते हैं दो साल की उम्र में तीन साल की उम्र में तो ये बिल्कुल पॉसिबल है अल्लाह ताला के लिए आदत के खिलाफ दस्तूर के खिलाफ कोई काम करना भी मुश्किल नहीं बस हम अल्लाह से मांगने वाले हों और मेहनत भी करने वाले हों और इसमें खास तौर पर बचपन में बच्चा अगर कुछ कर लेता है या करता है तो उसमें माँ का बहुत बड़ा किरदार होता है माए होती है जो बच्चों की तामीर करती है उनको बचपन से अदब आदाब और अखलाक सिखाती हैं और माए होती है जो अपनी गफलत की वजह से अपनी आराम तलबी की वजह से उनको जाया कर देती है वह हैना मिल्ला दुन वकिया और अपने पास से नरम दिली और पाकिजगी अता की थी और वो निहायत परहेजगार था और वो अपने वाले के साथ नेक सलूक करने वाला था और सरकश नाफरमान न था आमतौर पर जब बुढ़ापे किसी को औलाद मिलती है ना तो वो उसको वो इतना लाड प्यार देते हैं कि वो बिगड़ जाती है मगरूर हो जाती है जो लाडले बच्चे होते अकलौते बच्चे होते हैं अमूमन आप उनका हाल देखे अमूमन वो बात नहीं मानते नाफरमान होते हैं लेकिन यही आलाम ऐसे नहीं थे वो माँ बाप के साथ बहुत नेक सलूक करने वाले थे और वाले के साथ नेक सलूक में सबसे पहली बात ये कि उनकी की जाए जो वो कहे वो कर दिया जाए और फिर ये कि वो के लिए आंखों की ठंडक भी थे जिस तरह की दुआ मांगी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने उससे भी बढ़कर बेहतरीन बच्चा उनको अता किया वो सलामी योमूतु वो यो मयुब हया और सलाम है उस पर जिस दिन वो पैदा हुआ और जिस दिन वो फौत होगा और जिस दिन वो दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा ये तीन वक्त इंतहाई परेशानी के वक्त है और वो इन तीन औकात में हर परेशानी से सलामत रहेंगे वज किताब मरियम और किताब में मरियम का जिक्र कीजिए जब वो अपने घर वालों से अलग होकर मशरिक की तरफ एक मकान में आ गई थी मरियम अल सलाम जो थी जो कि इसी फैमिली से थी तो उनका भी जिक्र साथ ही आ गया है और वो अलहदा होने का मतलब क्या है कि वसी सलाम की पैदाइश की खातिर वो पहले तो हैकल में थी और वहाँ एक दिन रात इबादत करती थी लेकिन जब हमल के आसार नजर आने लगे तो दूर एक जगह पर चली गई और कहा जाता है कि सलाम की वसी असलाम की पैदाइश भी वही हुई और ये बैतुलमक मशर की जानब हुई थी इसीलिए नसारा ने मशरक को अपना किबला बनाया हुआ है फिर उसने उनकी तरफ से पर्दा कर लिया तो हमने उसकी तरफ अपनी रूह फरिश्ते को भेजा तो उसने उसके सामने एक मुकम्मल इंसान की सूरत इख्तियार की पता चलता है कि की अलैहिस्सलाम पूरे इंसान की शक्ल में मरियम अलैहिस्सलाम के पास आए थे कौलत इन्नी आऊदिर इन कुंता तक वो कहने लगी मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ अगर तू अल्लाह से डरने वाला है अब ये मरियम अलैहिस्सलाम और अलैहिस्सलाम की आपस की बातचीत है यानी ये सूरत हाल देख के कि उनके उजरे में कभी कोई आया नहीं कोई मर्द उन्होंने कभी देखा नहीं तो ये एक नौजवान मर्द कहाँ से आ गया तो सख्त ज्यादा हो गई और ये बड़ा ही नाजुक वक्त था खुद भी नौजवान थी और सामने नौजवान खुश शक्ल मर्द खड़ा है और तनाई भी थी कोई दूसरा भी पास मौजूद नहीं लेकिन जो नौवारिद था उसका नुरानी चेहरा देखकर उनको कुछ समझ तो आ गई बात की ये कोई परहेजगार इंसान ही मालूम होता है लिहाजा अल्लाह का वास्ता देकर कहा कि मैं तेरी तरफ से रहमान की पनाह में आती हूँ यानी इस बात से कि तू मुझ पर किसी किस्म की दस्तराजी करे उसने कहा मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ हूँ यानी फरिश्ता हूँ ताकि मैं अल्लाह के इजन से तुझे एक पाकिजा लड़का अता करूँ वो कहने लगी मेरे लिए कोई लड़का कैसे होगा जबकि मुझे किसी इंसान ने छुआ तक नहीं और ना ही मैं कोई बदकार औरत हूँ उसने कहा इसी तरह होगा तेरे रब ने फरमाया है कि ये मुझ पर बहुत आसान है और ताकि हम उसे लोगों के लिए एक निशानी और अपनी तरफ से एक रहमत बना दें और ये काम तय शुदा है।, यानि ये तो ही रहना है फिर वो उससे हामिला हो गई तो उसे लेकर एक दूर के मकाम पर चली गई यानी जब हजरत मरियम हामला हो गई तो अब उस इलाके में रहना उन्हें पसंद नहीं था तो बैतुल वाला हजरा छोड़कर दूर के मकाम पर चली गई कहा जाता है की मकान बैतुल्लाहम था और ये वहां से तकरीबन आठ मील दूर था फिर दर्द उसे खजूर के तने तक ले आया यानी से बाहर आ गई। वो कहने लगी आकाश कि मैं इससे पहले ही मर जाती और भूली बसरी हो जाती तो फरिश्ते ने उसे उसके नीचे से पुकारा कि गम न कर तेरे रब ने तेरे नीचे एक नहर बहा दी है गम न कर और खजूर के तने को अपनी तरफ हिला वो तुझ पर पकी हुई ताजा खजूरें गिरा देगा सुबह अल्लाह किस तरह अल्लाह सबा ने उनके लिए रिस्क का इंतजाम किया तो इससे पता चलता है कि जो औरत बच्चा पैदा करे उसके लिए ताकत वाली गजा होनी चाहिए और एनर्जी भी आनी चाहिए उसको तो खजूर में चूंकि मीठा भी होता है और वैसे भी उसके अंदर बेशुमार फायदे होते हैं तो अल्लाह तला ने उनके लिए बेहतरीन का इंतजाम किया अगर इससे कोई बेहतर होती निफास वाली औरत के लिए तो अल्लाह वो ते सलाम को देते नबी ने फरमाया जिस घर में खजूर नहीं वो उस घर की मानिंद है जिसमें कोई खाना नहीं मैंने खजूर खाने का काम करती है और आजकल तो माशाल्लाह आप सबके घर में खजूर होगी खुजूर हम सिर्फ इफ्तारी पे खाते हैं जबकि नबी सल्लम ने फरमाया खुजूर मोमिन की बेहतरीन सहरी है तो सहरी में भी कुछ न कुछ खा लिया करे फकुली वशरबी वकर्री आईना पस खा और पी और आंखें ठंडी कर खुश हो जा फिर अगर किसी को देखे, तो कह देना की मैंने तो रहमान के लिए रोजे की नजर मानी है लिहाजा आज मैं किसी इंसान से हरगिज कोई बात न करूंगी मैंने चुप रहना खामोशी भी कई बातों की बात होती है कई सवालों का जवाब होती है तो इसलिए जरूरी नहीं होता कि अगर कोई आप पर कोई इल्जाम धरे तो आप फौरन बोलना शुरू कर दें डिफेंसिव हो जाएं और बहुत सी बहस शुरू कर दें बहुत से मौाक पर खामोशी बोलने से ज्यादा बेहतर होती है अल्लाह हमें वो हिकमत दे दे कि हम जैसे बोलना सीख गए हैं ऐसे ही खामोश रहना भी सीखें फिर वो उसे उठाए हुए अपनी कौम के पास ले आई वो कहने लगे आ मरियम तू तो एक अजीब चीज लाई है यानी अल्लाह की करामत को देख कर मरियम सलाम को इतमान हो गया कि अल्लाह ताला उसको तक नहीं होने देगा लेकिन अब फिक्र तो थी बहरहाल कौम क्या रिएक्शन शो करती और कौम ने तो वही किया जो बड़ी सराइल करते हैं या उख्ता हारून ए हारून की बहन तेरा बाप कोई बुरा आदमी न था और ना ही तेरी माँ कोई बदकार औरत थी अब ये कौन से हारून है ये मूसा सलाम के भाई हारून नहीं है क्योंकि वो तो मुसलम के जमाने में गुजर चुके ये या तो हजरत मरियम के अपने सगे भाई थे कोई हारून और बहुत नेक इंसान थे कि उनकी नेकी का जिक्र करके इन्होंने हजरत मरियम को यानी एक तरह से कुछ लान तान की लेकिन जो कि हक नहीं बनता था उनका क्योंकि वो समझते थे कि नवज बिल्ला ये कोई शायद नाजायज बच्चा लेकर आई है वह अशारत अलई बोली कुछ नहीं अल्लाह तला के हुक्म के मुताबिक तो उसने उस बच्चे की तरफ इशारा कर दिया वो कहने लगे भला हम इससे कैसे बात करें जो अभी गोद में एक बच्चा ही है बच्चा बोल उठा वो बोल उठा बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ उसने मुझे किताब अता की और मुझे नबी बनाया अब आप हैं कि ईसा सलाम भी एक्सेप्शनल बच्चे थे और माँ की गोद में ही बोलना शुरू हो गए और उसने मुझे बाबरकत बनाया है जहाँ पर भी मैं हूँ और उसने मुझे नमाज और जक़ात का ताकीदी हुक्म दिया है जब तक मैं जिंदा रहू वजनी मुबारक बाबरकत बरकत का मतलब होता है खैर कसीर और ये बिरका से है जिसका माना तालाब होता है जिसमे बहुत पानी होता है यानी उससे बेशुमार लोग फायदा उठाते रहते हैं तो मुबारक इंसान वो होता है जिससे हर कोई फायदा उठाए और हम क्या कहते हैं मैं कोई डोरमेट मैट हूँ कि हर कोई मेरे ऊपर से गुजर जाए क्यों मुझे हर कोई यूज करे लोग मुझे यूज करते हैं लोग मुझसे फायदा उठाते हैं मैं किसी को ना नहीं कर सकती आप खुशकिस्मत हैं कि जिसको अल्लाह ने लोगों के फायदे के लिए बनाया है ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही क्यों नहीं शुक्र है कि मैं ही हूं कि अल्लाह ने मुझसे ये काम लिया क्योंकि हर एक को अल्लाह ने मुख्तलि नियमतें दे रखी है तो जो नियमत आपको मिली है उस न और नेमतें देने से बढ़ती हैं रोकने से नहीं बढ़ती और फिर एक बड़ी अहम बात है कि मुझे नमाज और जक़ात का हुक्म दिया जब तक मैं जिंदा रहूं तो इससे क्या पता चलता है कि शरीयत के अहकाम का इंसान मौत तक पाबंद रहेगा वाह का हत्या यकीन हर पैगम्बर को नमाज की पाबंदी का हुक्म है इब्राहिम ने अपने और अपनी औलाद की नमाज की पाबंदी की दुआ मांगी मुकीम वो ज़रूरी और कोई भी शख्स नमाज के बगैर वाली नहीं बन सकता क्यूँकि बाद कहते हैं कि वो तो इतने पहुंचे हुए हैं कि अब उनसे नमाज माफ हो गई किसी से कोई नमाज माफ नहीं होती ये सब आखिरी दम तक अदा करनी होती जब तक इंसान की जान में जान है और वो अदा कर सकता है होश में हो और फिर अल्लाह की इबादत के बाद अपनी वालदा से नेक सलूक करने वाला वो बर्रम शकिया और अपनी वालदा से नेक सलूक करने वाला बनाया है और मुझे सरकश और बदबक नहीं बनाया इससे पता चलता है कि वालदैन से बदसलूकी करने वाला शकी और बदनसीब बदबक होता है इंसान की खुशकिस्मती इस बात में है कि वो अपने वालदैन के लिए कितना फायदा मंद है और खसूस ऐसी वालदा जो बाप और माँ दोनों की जगह हो सिंगल पेरेंट उसका ख्याल रखना तो और भी ज्यादा जरूरी है और यहाँ खास तौर पर वालिदा का जिक्र किया गया क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ वालिदा ही थी वो अल्लाह की निशानी थे बगैर वालिद के पैदा हुए थे बस सलाम यौम सलामै योमितोम अमू तुआ योम उब आतुह और सलाम है मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं जिंदा करके उठाया जाऊंगा ये भी तीन सलामती के मौके अल्लाह ताला ने अलैहिस्सलाम की तरह इनको भी अता किए ये है ईसा इब मरियम हक की बात जिसमें ये शक कर रहे हैं यानी यह है उनकी हकीकत अल्लाह ऐसा नहीं कि वो किसी को बेटा बनाए वो पाक है जब वो किसी काम का फैसला कर लेता है तो उसे कह देता है कि हो जा तो वो हो जाता है यानी जो रब जो जात कुन कह के सब कुछ कर सकता है उसे बेटे की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बेटा तो उसकी जरूरत होती है जिसपे बुढ़ापा आता है जो कमजोर होता है मोहताज होता है फना होने वाला होता है और उसको वारिस की जरूरत होती है लिहाजा कोई इंसान इबादत का हकदार नहीं कि उसके नाम पर नजर नियाज की जाए बल्कि सिर्फ अल्लाह ही की खातिर हमें अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिए अल्लाह की रजा की खातिर वो इन अल्लाह रब्बी व रबुदू हा तुम मुस्तकीम और बेशक मेरा रब और तुम्हारा रब अल्लाह ही है बस उसी की इबादत करो यही सीधा रास्ता है फख्तलफ अल अहजाब मुंबई निम फिर यह ग्रह ईसा के बारे में आपस में इख्तराफ करने लगे तो जिन लोगों ने कुफर किया उनके लिए एक बड़े दिन की हाजिरी के बायस हलाकत है यानी बनी इसराइल के अंदर आपस में ही इख्तिलाफ हो गया उनकी हकीकत के बारे में क्योंकि यहूद ने उन्हें वलदिना कहा और जादूगर करार दिया और नसारा कई ग्रोहों में बट गए किसी ने कहा अल्लाह मसीह ही तो है किसी ने कहा मसीह अल्लाह का बेटा है किसी ने कहा मसीह तीन महबूदो में से तीसरा है तो अपने अपने वर्जन है उनके आपस का अख्तिलाफ है क्या खूब सुनने वाले और क्या खूब देखने वाले होंगे जिस दिन वो हमारे पास आएंगे लेकिन जालिम लोग आज के दिन सरी गुमराही में मुबतला है तो इससे पता चलता है कि क्यामत के दिन कोई भी शख्स हक से रूगरदानी न कर सकेगा आज ये हक से अंधे बह रहे हैं लेकिन क्यामत के दिन इनके आंखें और कान खूब खुल जाएंगे और वो कहेंगे रबा ना अब सर ना व समय ना पर जय ना न अमल सालिहन। कि हमने देख लिया अब हकीकत नजर आ गई हमने सुन लिया अब तू हमें वापस लौटा कि हम नए काम करके आए लेकिन किसी के लिए कोई वापसी नहीं होगी वो अंदर होम या उमल हसरा और इन्हें हसरत के दिन से डराइए ये क्यामत का दिन है जिसमे हर इंसान को रिग्रेट होंगे हसरत होगी जिन्होंने कुफर किया उनको तो होगी ही हो होगी जिन्होंने गलत काम किए उनको तो होगी ही हो होगी लेकिन जिन्होंने नेक काम उनको भी हसरत होगी किस बात की काश कुछ नेकियां और कर लेते हमने अपना वक्त क्यों जाया किया हमने अपनी जवानी क्यों जाया कर दी हमने अपनी सलाहियतों से काम क्यों नहीं लिया हम तो बहुत कुछ कर सकते थे आज हमें एहसास ही नहीं होता हम घंटों बैठ के फजूल बातें करते हैं या देखते रहते हैं या इधर उधर बेकार के कामों में उलझे रहते हैं और वो चीजें नहीं करते वो काम नहीं करते जो हमारी आखिरत में फायदा देने वाली है तो ये सारे औकात क्यामत के दिन इंसान के लिए हसरत का बायस होंगे और इन्हें हसरत के दिन से डराइए, जब हर मामले का फैसला कर दिया जाएगा, जबकि आज वो गफलत में है और वो ईमान नहीं ला रहे बेशक जमीन और जो कुछ उस पर है उसके वारिस हम ही होंगे और हमारी ही तरफ वो लौटाए जाएंगे और इस किताब में इब्राहिम का जिक्र कीजिए बेशक वो बहुत सच्चा था और नबी था जब उसने अपने बाप से कहा ऐ मेरे अब्बा जान आप क्यों उसकी इबादत करते हैं जो न सुनता है और न देखता है और न ही वो आपके कुछ काम आता है यहाँ देखिए इब्राहिम अपने वाले से किस तरह अदब से बात कर रहे हैं हालांकि बाप का तो आपको मालूम ही है कि उसके दिल में बेटे के लिए कोई रहम नहीं या अबती इन्नी अबी कज्जा अनिमिन मालमिका सिरात सविया ए मेरे अब्बा जान मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं बस आप मेरी पैरवी कीजिए मैं सीधे रस्ते की तरफ आपकी रहनुमाई करूंगा यानी कितना खूबसूरत अंदाज है खिताब का यही कहा आप तो जाहिल हैं यू डोंट नो आज के बच्चे क्या कहते हैं यू डोंट नो यू डोंट नो आपको कुछ पता नहीं हंसना शुरू कर देते हैं लेकिन यहाँ आप कितने अदब से कहते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसा इल्म है जो आपके पास नहीं आप मेरे पीछे चलिए मेरे पीछे आइए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कहीं जा रहे हो गाड़ी में तो बच्चे भी साथ होते हैं खुद भी तो बाजूका बच्चों को ज्यादा पता होता है कि आप इधर मोड़ लें आप ये घर है वो मैंने पहले से देखा हुआ तो हम माइंड नहीं करते हम कहते हैं, चलो ठीक है तो इसी तरह यहाँ को ऐसी बात नहीं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को कोई को लट डाउन कर रहे हैं बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जो इल्म था वो उनके वालिद के पास नहीं था लिहाजा वो उनकी खैर ख्वाही कर रहे हैं इससे ये बात भी पता चलती है कि अगर आपको अपने वालदे के अंदर कोई गलती नजर आती है कोई अकीदे में खराबी नज़र आती है कोई इबादात में कमी नजर आती है तो प्यार से मोहब्बत से अच्छे अंदाज में उनको बताइए ताकि उनकी आखिरत भी बेहतर हो आपके हुसन सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तक कौन हो सकता है वालदेन हर कुछ लोग घर वालों की तरफ तो तवज्जो ही नहीं देते सबसे पहले अपने ऊपर काम नहीं करते फिर अपने बच्चों को कोई अहमियत और तवज्जो नहीं देते और दुनिया भर की इसलाह के लिए निकल पड़ते हैं ये इंतहाई गलत तरीका है सबसे पहले इंसान को अपने अखलाक अपने मामला अपने ईमान अपनी इबादत को बेहतर करना चाहिए क्योंकि इसके बगैर आपकी कोशिश कबूल नहीं होगी, बल्कि उल्टा जुर्माना पड़ जाएगा कि दूसरों को नमाज का तरीका सिखा रहे थे खुद अपनी नमाज कैसी थी दूसरों को नसीहत और खुद मियाँ फजीहत तो ये नहीं होना चाहिए यह हम सब के लिए मेरे लिए भी आपके लिए सबके लिए की सबसे पहला हक हम पर हमारे वालदेन का है फिर उसके बाद हमारी औलाद का है शोहर का है बहन भाइयों का है रिश्तेदारों का है फिर बाहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तबलीग किसको की थी सबसे पहले मुसलमान कौन हुआ था हजरत खदीजा फिर उसके बाद करीबी रिश्तेदारों को बुलाया था दोस्त यानी जो जो करीब थे तो किसी भी नेकी के हकदार सबसे ज्यादा करीब तरीन लोग होते हैं और अगर वो ना माने तो सबसे ज्यादा रो रो कर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर गिड़ अम्बिया गिड की सुन्नत के मुताबिक उनके लिए दुआएं करनी चाहिए हम उनसे कभी भी बेनियाज नहीं हो सकते कि अब वो उम्र के इस हिस्से को पहुंच गए तो अब छोड़ो उनको हैं खुद अपने रिस्पांसिबल हैं नमाज पढ़े या ना पढ़े हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं हमारी जिम्मेदारी है हमारी जिम्मेदारी अगर है कि अपने नेबर को बताएं और दुनिया में जाके दर्श दे तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं की अपनी औलाद को बताए वो ना माने तो उनकी मर्जी लेकिन बताना हमारा फर्ज है या अब तलाता अबुदान मेरे अब्बा जान शैतान की इबादत न कीजिए बेशक शैतान रहमान का बहुत नाफरमान है मेरे अब्बा जान मैं डरता हूं कि कहीं आपको रहमान की तरफ से कोई अजाब न आ पकड़े यूं आप शैतान के दोस्त बन जाएंगे मैंने यहाँ पर उन्हें बुत परस्ती के बुरे अंजाम और उसके बवाल और अजाब से भी डराया और इसमें भी उसने अदब को मलहूज रखा ये नहीं कहा कि तुम पे अजाब आ पड़ेगा बल्कि फरमाया कि मैं डरता हूँ कि आप पर रहमान की तरफ से कोई अजाब न आ जाए और आप शैतान के साथी ना बन जाए इससे क्या पता चलता है शैतान का साथी बनना बदतरीन अजाब है अजाब की सबसे बदतरीन किस्म के इंसान हर मामले में शैतान की बात माने और शैतान इंसान के अंदर ख्वाहिशात के रास्ते से आता है कि सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे और अल्लाह की बात को पीछे डाल दे जब इंसान सुबह उठता नमाज के लिए तो शैतान उठने नहीं देता वो तब क्या देता है अभी तो बहुत वक्त अभी सोए रहो लेकिन इंसान शैतान को छोड़कर अपने रब की इबादत के लिए उठ जाता है उसने कहा अः इब्राहिम क्या तू मेरे माबूदों से मुंह मोड़ने वाला है अगर तू बाज ना आया तो मैं जरूर तुझे संसार कर दूंगा और तू हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जा अब आप देखे एक दीन वाला शख्स कैसी जबान इस्तेमाल करता और एक बेदीन शख्स कैसी जबान कर रहा है अब ये आप पर है की आप किसको फॉलो करते हैं काला सलाम का रब्बी इन्नहू का नबी हफिया इब्राहिम ने कहा सलाम हो आप पर देखिए वो डांट रहे और सख्त बात कर रहे हैं मारने की धमकियां दे रहे हैं वो कह रहे हैं सलाम हो आप पर मैं अपने रब से आपके लिए जरूर बख्शिश मांगूंगा बेशक वो मुझ पर बड़ा ही मेहरबान है ये होती है खैर खाही ऐसे करते हैं घर वालों को तबलीग ये कह के कि वो बात नहीं सुनते बस बस्मैनी अब कुछ कहती नहीं वो अगर आपको जान से मारने की धमकी भी दे तब भी आपने उनको बताना है तब भी आप उनके साथ उससे सलूक करेंगे तब भी आप उनके लिए दुआएं मांगेंगे और नरमी का मामला करेंगे और मैं तुम्हें और जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो सबको छोड़ रहा हूँ और मैं तो सिर्फ अपने रब को ही पुकारता रहूंगा उम्मीद है कि मैं अपने रब से दुआ मांग कर महरूम ना रहूंगा कैसी उम्मीद है अम्बिया की उम्मीद ऐसे ही होती और अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखना यह ईमान का हिस्सा है यानी तुम अपने बुतों को पुकार रहे हो मैं तो अपने रब को पुकारूंगा बुत तो कुछ नहीं दे सकते लेकिन मेरा रब मुझे ना उम्मीद नहीं करेगा फिर जब उसने उन्हें और जिनकी वो अल्लाह के सिवाय इबादत करते थे छोड़ दिया तो हमने उसे इसहाक और याकूब किए और हर एक को हमने नबी बनाया अल्लाह ताला ने फिर एक खानदान लिया तो एक और दे दिया जो उससे कई दर्जे बेहतर था और हमने उन्हें अपनी रहमत से नवाजा और हमने उनको सच्ची और बुलंद नामवरी अता की आले जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाफ कंप्लीट हो चुकी है अब आपकी ब्रेक है थ्री मिनट्स की आप लोग फ्रेश होके आए वजू करके आए उसके साथ ही थ्री मिनट्स के बाद इंशाल्लाह हम स्ट्रेट अवे अपनी आ, नेक्स्ट जूस की तरफ चलेंगे ठीक है इंशाल्लाह आप सब जाइए फ्रेश होके आइए थ्री मिनट की ब्रेक है आपकी السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله پر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے دینی اور دنیاوی बेशुमार इनाम किए अम्बाल और औलाद की कसरत अर्ज मुकदस की खिलाफत नसल दर, नसल इमामत, बहुत कुछ अता बादशाह आपकी नस्ल में सब कुछ चला और ये उनकी कुर्बानियों का नतीजा था पीछे भी हमने सूरत कहा में भी पढ़ा ना कि वाले की नेकिया औलाद को फायदा देती है तो अगर आप नेक है और आप चाहते है की दूसरों के लिए खैर खाही हो तो अल्लाह तला जो काम आप नहीं कर सके अल्लाह तला वो आपकी औलाद से ले लेगा वो किसी और से ले लेगा और आपका हिस्सा उसमें हो जाएगा तो इसलिए अपनी नमाजों में नमाजों से बाहर कबूलियत के औकात में कभी भी अपने बच्चों को अपने औलादों को अपने शागि को दुआओं में ना भूले क्योंकि आपके बाद आपके लिए बेहतरीन सद जारी और सरमाया यही है और यहाँ जो लिसान सिद्ध अलिया है इससे मुराद इब्राहिम की शोहरत और नामवरी है लिसान बोल के वो चीज मुराद ली जाती है जो जबान से होती है बोल शोहरत और नामवरी मुराद होती है और यद बोल कर एहसान मुराद लेते हैं क्योंकि वो हाथ के साथ होता है और अल्लाह ताला ने इब्राहिम का जिक्र खैर हमेशा के लिए ज़बानों पे जारी कर दिया हम द्रुज शरीफ में भी उनका नाम लेते हैं और इसके अलावा यहूदी ईसाई मुसलमान सब उनकी तजीम करते हैं वज़कुर वजफिल किताबी मूसा और इस किताब में मूसा का जिक्र कीजिए बेशक वो चुना हुआ और ऐसा रसूल था जो नबी था और हमने उसे तूर की दाई जानब से पुकारा और हमने उसे सरगोशी के लिए करीब कर लिया यानी वादी के उस जानब से जो मूसा सलाम के दाएं तरफ पहाड़ के मगरबी किनारे से मिलती थी और यहाँ पर सरगोशी के लिए करीब कर लिया यानी नमाज के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा हो तो अपने सामने न थूके क्योंकि जब तक वो अपनी नमाज की जगह में होता है वो अल्लाह से सरगोशी कर रहा होता है वो हबना नबिया और हमने अपनी रहमत से उसके भाई हारून को नबी बनाकर उसे अता किया और इस किताब में इस्माइल का जिक्र कीजिए बेशक वो वादे का बहुत सच्चा और ऐसा रसूल था जो नबी था वो अपने घर वालों को नमाज और जक़ात का हुक्म देता था और वो अपने रब के हां बहुत पसंदीदा था जो बंदा अल्लाह की पसंद का होता है अल्लाह ताला फिर उसको चुन लेता है अल्लाह यज तभी क्या करना होगा कोई खास लिबास पहनना होगा कोई खास खाना खाना होगा कोई खास एक्सरसाइज करनी होगी लोगों की पसंद का बनने के लिए ऐसे करते है ना हर चीज नहीं खाते क्योंकि फिर जिसम का फिगर जो है वो खराब हो जाएगा हर तरह के लिबास नहीं पहनते तो मखसूस लिबास पहनते हैं ताकि लोगों में जज जाए कई दफा आईना देख कर अपने आप को संवारते हैं लेकिन फिर भी लोग जिसको चाहते हैं पसंद करते हैं जिसको चाहते नहीं करते अक्सर लोग शिकवा रहता है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते हालांकि सारी सरतोड कोशिशें हो, हो चुकी होती है उनके पसंदीदा बनने की इसके बरक्स रब का पसंदीदा बनने के लिए क्या करना चाहिए मर्दिया, रसूल अल्लाह सलम के फरमान के मुताबिक किसी बंदे का फरज की अदायगी और नवाफिल की कसरत रब का पसंदीदा बनने में मदद देती है यह हदीस नहीं है उसके मफूम है जिसकी वजह से अल्लाह तला उससे मोहब्बत करने लगता है तो आप देखिए कि आप अपनी फर्ज नमाजों का एहतमाम कैसे करते हैं और उसके साथ साथ नवाफिल कितने पढ़ते हैं इसी तरह हज फर्ज है तो फिर उमरा नफिल है जक़ात फर्ज है तो सदक़ात नफिल है रोजे रमजान के फर्ज है तो शवाल के नफिल है मुहर्रम के और दीगर महीने में तीन रोजे और इसके अलावा जब चाहे सोमवार जमेरात का तो हमें से हर एक ने देखना है कि हमने दीन को सिर्फ फर्ज के दर्जे पे लिया हुआ है या नवाफिल भी अदा करते हैं हर मामले नफल क्या होता है वॉल्टरिली कोई काम करना तो इसी तरह एक जॉब हम करते हैं उसके घंटे होते हैं उसकी एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उसके मुताबिक काम करना होता है उसके अलावा अगर हम एक्स्ट्रा टाइम देते हैं जो जॉब आवर्स के अलावा है तो ये आपका नफल हो गया जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा हुआ लेकिन आप फिर भी किसी जरूरत के तहत वो काम करते और खुशूस के दिन का काम तो ये क्या है ये नफल है फर्ज तो फर्ज है लेकिन आपने जो नफल अदा किया इसकी वजह से आप अल्लाह ताला के और करीब हो गए तो देने वाले बनिए एक्स्ट्रा काम कीजिए एन एक्स्ट्रा माइल ठीक है सिर्फ डॉट टू तो डॉट नहीं यहाँ से मेरी रात खत्म हो गई यहाँ बस अब मुझे चेक आउट करना है बारह बज गए वर्स कुर्फिल किताब इदरीस इन न सिद्धि नबिया और इस किताब में इदरीस का जिक्र कीजिए बेशक वो निहायत सच्चा और नबी था और हमने उसे एक बुलंद मकाम पर उठा लिया बस इनका इतना ही तस्करा मिलता है नहीं ज्यादा तफसीलात नहीं मिलती आदम की औलाद में से ये वो अम्बिया है जिन पर अल्लाह ने इनाम किया था और कुछ वो जिन्हें हमने नूह के साथ सवार किया था और कुछ इब्राहिम और इसराइल यानी याकूब की औलाद में से और उनमें से है जिनको हमने हिदायत दी और हमने चुन लिया जब उन पर रहमान की आयात पढ़ी जाती है तो वो सजदा करते हुए और रोते हुए गिर पड़ते थे उनका दिल पसी उठता था और वो अल्लाह के आगे झुक जाते थे फिर उनके बाद ऐसे बुरे जानशीन आए जिन्होंने नमाज ज़ाया कर दी अल्लाह ताला किन को बुरा कह रहा है जो नमाज नहीं पढ़ते या पढ़ते हैं तो उस तरीके पे नहीं पढ़ते जिसपे पढ़नी चाहिए और नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करने लगे सिर्फ ख्वाहिशात की पूजा ख्वाहिशों के बंदे तो अनकदीब वो गुमराहि के अनजाम को जा पहुंचेंगे यानी इनाम याफ्ता लोगों के बरक्स अब उन लोगों का जिक्र है जिनका अंजाम हलाकत खेज है ये नमाज को जया करना क्या है लोगों ने अपने मसूद से ये सवाल किया उन्होंने कहा इस मुराद नमाज को इतनी देर से पढ़ना कि उसका वक्त निकल जाए लेट करके नमाज पढ़ना लोगों ने कहा हम तो ये समझते थे कि नमाज को छोड़ देना उसे तर्क करना है पर माया अगर वो नमाज छोड़ देते तो काफिर हो जाते यानी पढ़ने वालों ने ही जया किया ये मुराद है इससे अंता बबा सिवाय उनके जो तोबा कर लेबा में क्या है फिर नमाजे वक्त पर पढ़े और ईमान ले आए और नेकमल करे तो यही लोग जन्नत में दाखिल होंगे और वो कुछ भी जुल्म न किए जाएंगे हमेशगी के बागात में जिनका वादा रहमान ने अपने बंदों से गायबाना तौर पर किया है बेशक उसका वादा पूरा होकर रहने वाला है वो उसमे कोई लग्व बात नहीं सुनेंगे मगर सलामती की बात और वहाँ उनके लिए सुबह शाम उनका रिस्क होगा यह है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उसे बनाएंगे जो मुत्तकी होगा और हम आपके रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरते उसी का है जो हमारे आगे है और जो हमारे पीछे है और जो उसके दरमियान है और आपका रब कभी भूलने वाला नहीं है यानी फरिश्ते जो हैं वो जब उतरते हैं चाहे अजाब लेके चाहे वही लेके वो अल्लाह के इजिन से आते हैं खुद से नहीं आते इन असल हुक्म और फैसला अल्लाह का होता है रब है आसमान और जमीन का और जो उन दोनों के दरमियान है बस आप उसी की इबादत कीजिए और उसी की इबादत पर जमे रहिए इख्तियार कीजिए क्या आप उसका कोई और हम नाम जानते हैं नहीं कोई और है ही नहीं उस जैसा वकुलसान अदामा मित्तुलसऊ उखरा हया और इंसान कहता है जब मैं मर जाऊंगा तो क्या वाकई मैं जिंदा करके निकाला जाऊंगा दोबारा कबर से जिंदा होके उठूंगा क्या इंसान को याद नहीं आता कि हमने इससे पहले भी इसे इस पैदा किया था हालांकि वो कोई चीज न था बस आपके रब की कसम बेशक हम इन्हें और शयातीन को इकट्ठा करेंगे फिर हम जरूर इन्हें जहन्नम के गिर घुटनों के बल गिरे हुए हाजिर करेंगे फिर हम हर ग्रोह में से उसको जरूर खेच निकालेंगे जो इनमें से रहमान के मुकाबले पर सरकशी में ज्यादा सख्त था फिर हम भी उनको खूब जानते हैं जो इस जहन्नम में झोंके जाने के ज्यादा मुस्क है वो इमिन को मिल्ला मकदिया और तुम में से हर एक उस पर वारिद होने वाला है किस पर जहन्नम पर जहन्नमे आपके रब के जिम्मा तय हतमी फैसला है जहन्नम के ऊपर एक पुल रखा जाएगा और इस पर से हर नेको बद को गुजरना होगा और फिर मोमिनों के लिए वो आरामदेह होगा जबकि गैर मोमिन के लिए हलाकत का बायस होगा अब्दुल्ला बिन मसूद इस आयत की तफसर में फरमाते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम इंसान जहन्नम से गुजरेंगे बाद में अपने अमाल के मुताबिक वहां से निकल आएंगे जिसर के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपसे जब पूछा गया कि ये क्या है फरमाया वो बहुत फिसलाने वाला है स्लिपरी है उस पर कुंडे और आंकड़े हैं और बहुत चौड़े गोखरू हैं जो मुड़े हुए कांटे हैं एक तरह से जो नज्द में होते हैं उन्हें सादान कहते हैं मोमिन उस पर से निगाह की तरह बिजली की तरह आंधी की तरह और बेहतरीन घुड़ सवारों और ऊंट के सवारों की तरह गुजर जाएंगे यानी जैसे निगाह ऐसे उठाए बस इतनी देर में गुजर गए फिर कोई सही सलामत बचकर निकलने वाला होगा कोई जख्मी होकर बच निकलने वाला होगा कोई जहन्नम की आग में गिरा दिया जाने वाला होगा यहाँ तक कि उनका आखिरी शख्स घिसटता हुआ गुजर जाएगा पता तो 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 नहीं कितना वक्त लगेगा उसको अल्लाह ताला उस गुजरने को आसान फरमा दे लेकिन उसके लिए तरीका भी बता दिया गया तुम मनु ने फिर जिन लोगों ने तकवा अख्तियार किया हम उनको निजात दे देंगे और जालिमों को उसी में घुटनों के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे ओंधे दे वो यानी अहले ईमान को जहन्नम से बचा लिया जाएगा वो सलामती से गुजर जाएंगे, अपने अपने अमाल के मुताबिक उनकी रफ्तार होगी और गैर मुमिन जहन्नम में नीचे गिर जायेंगे या गुनागार लोग जहन्नम के अंदर गिरेंगे फिर नबी सफात के जरिए वहां से निकाले जाएंगे और जब इन पर हमारी वाजे आयात पड़ी जाती है तो वो लोग जिन्होंने कुफर किया ईमान वालों से कहते हैं कि इन दोनों ग्रोहों में कौन मकाम में बेहतर और मजलिस में खूबतर है यानी उनको अपने मकान और अपनी जगह ज्यादा बड़ी लगती थी लिहाजा वो इस गुरूर में मुबतला हो गए थे कि हम ज्यादा बेहतर लोग हैं आज भी ऐसा ही होता है यानी जो नासमझ लोग होते हैं वो अपनी दुनिया के मालो मता की वजह से अकड़ते और भूलते हैं चाहे उनका अखलाक जीरो हो चाहे उनके अंदर दीनदारी नाम की न हो चाहे उनके अंदर कोई खैर ना हो लेकिन वो क्या समझते हैं कि चूंकि उनके पास बहुत दुनिया है लिहाजा वही सबसे पसंदीदा है अल्लाह के और वही बहुत अच्छे हैं और हर एक को क्रिटिसाइज करते हैं हर एक में कोई ना कोई नक्श निकाल लेते हैं हर एक को लान तान करना शुरू कर देते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के भी जो आपके मुखालिफ थे इस बिना पर भी थे कि उनके पास दौलत थी और वो गरीबों के साथ मजलिस में बैठना नहीं चाहते थे और वो समझते थे कि जैसे दुनिया में ये सब कुछ मिल गया है आखरत में भी हमारे लिए है लिहाजा वो उनको कंपेयर करते रहते थे कि ज़्यादा अच्छा कौन है, हम हैं या ये गरीब जो इस्लाम लाए, और कितनी ही उम्मत हमने इनसे पहले हलाक कर दी वो साजो सामान और नमूदो नमाइश में कहीं बेहतर थे अल्लाह तारा है, ये नमूदो नुमाइश और ये दुनिया का सामान काम आने वाला नहीं पिछली कौम तुमसे ज्यादा ये सब कुछ रखती थी और उन्हें बर्बाद कर दिया गया क्योंकि हदीस में आता है बेशक अल्लाह न तुम्हारे जिस्मों को देखता है न तुम्हारी सूरतों को लेकिन वो तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है और आपने अपनी उंगलियों से अपने सीने की तरफ इशारा किया तो जो चीज अल्लाह देखता है उसको ज्यादा सजाने की जरूरत है और दिल सजता है ईमान के साथ तखबा के साथ तवक्ल के साथ अल्लाह की मोहब्बत के साथ कह दीजिए जो कोई गुमराही में पड़ा हुआ हो तो रहमान उसे खूब ढील देता रहता है यहाँ तक के जब वो उसे देख लेंगे जिसका वो वादा दिए जाते हैं खा अजाब हो और खा की आमत हो तो वो जान लेंगे कौन है जो मकाम में बदतर है और लश्कर के एतवार से कमजोर तर है और जिन लोगों ने हिदायत पाई है अल्लाह उनको हिदायत में ज्यादा कर देता है और बाकी रहने वाली नेकियां आपके रब के नजदीक सवाब और अंजाम में बहुत बेहतर हैं क्या फिर आपने उसे देखा जिसने हमारी आयत का इनकार किया और कहा मैं जरूरी आखिरत में भी माल और औलाद दिया जाऊंगा जैसे दुनिया में बहुत कुछ मिला है आगे भी बहुत कुछ है क्या वो गैब पर मुतले हो गया है है या उसने रहमान के हाथ से कोई एहद ले रखा यानी अल्लाह ने कब उससे ऐसा कोई वादा किया था कल्ला हरगिज नहीं जो वो कह रहा है हम जरूर उसे लिख लेंगे और हम उसके लिए अजाब बढ़ाते जाएंगे और जो वो कहता है हम ही उसके वारिस होंगे यानी दुनिया का साजो सामान तो वो छोड़ जाएगा वो तो साथ नहीं ले जा सकता वहाँ तो ये किसी काम नहीं आ सकता और वो हमारे पास अकेला ही आएगा और उन्होंने अल्लाह के सिवा कुछ और महबूद बना रखे हैं ताकि वो उनके लिए इज्जत का सबब हो हरगिज नहीं वो जल्द ही उनकी इबादत का इनकार कर देंगे और वो उनके मुखालिफ हो जाएंगे यानी गैर अल्लाह से उम्मीदें वाबिस्ता करना ना मुरादी ही ना मुरादी है कुछ हासिल होने वाला नहीं क्या आपने देखा नहीं कि बेशक हमने काफरों पर शैतानों को छोड़ रखा है वो उन्हें खूब खूब उकसाते हैं तो आप इन पर अजाब के लिए जल्दी ना कीजिए बेशक हम इनके लिए अच्छी तरह दिन गिन रहे हैं यानी एक दिन आएगा कि इनके दिन पूरे हो चुके और फिर इनका ठिकाना वही है और इन पर अजाब आने में फिर कुछ देर नहीं होगी जिस दिन हम मुत्तकी लोगों को मेहमान बनाकर रहमान की तरफ इकट्ठा करेंगे यानी मुत्तकी लोग रहमान के मुअज्जज मेहमान होंगे दुनिया में शाही मेहमानों के कदम जमीन पर नहीं टिक अगर आपको कभी ऐसा मौका मिला हो देखने का तो वहां पर जो रहमान के मेहमान होंगे जो वफ्त की शक्ल में अल्लाह के पास जाएंगे असल में वफ्त कहते हैं चंद आदमियों की उस जमात को जो किसी अहम काम के लिए जिसे डेलीगेशन बोलते हैं या कोई अतिया हासिल करने के लिए किसी बादशाह या बड़ी शख्सियत के पास जाए व नजरिमीन अला जहन्नम विरदा और मुजरिमों को हम सख्त प्यास की हालत में जहन्नम की तरफ हाँक ले जाएंगे वो शफात के मालिक न होंगे सिवाय उसके जिसने रहमान से कोई अहद ले रखा हो और उन्होंने कहा कि रहमान ने कोई औलाद बना ली है यकीनन तुम एक बहुत भारी चीज बहतान बना लाए हो करीब है कि आसमान इससे फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा होकर गिर पड़े कि उन्होंने रहमान के लिए किसी औलाद का दावा किया हालांकि रहमान के लायक नहीं कि वो कोई औलाद बना ले आसमानों और जमीन में जो कोई भी है वो रहमान के पास बंदा बनकर आने वाला है यकीन उसने उन्हें घेर रखा है और खूब खूब शुमार कर रखा है यानी अल्लाह से कोई भी भाग नहीं सकता अल्लाह ने हर एक को गिन के रखा हुआ और गिनी हुई चीज तो अगर कम हो तो फौरन पूछगी शुरू हो जाती कहाँ गई वो और क्यामत के दिन उनमें से हर एक उसके पास अकेला ही आने वाला है इनमान बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक कमल किए रहमान उनके लिए जरूर दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा तो मोमिनों की आपस की मोहब्बत अल्लाह का इनाम है अल्लाह का इनाम है बात सिर्फ इतनी नहीं होती कि कोई आपसे मोहब्बत करे तो आप पर अल्लाह का इनाम हो गया अगर अल्लाह ताला आपके दिल में नेक लोगों की मोहब्बत डाल देता है तो यह भी आप पर अल्लाह का इनाम है वरना ये भी तो हो सकता था ना आपके दिल में किसी बुरे इंसान की मोहब्बत होती तो फिर इंसान उसी के पीछे जाता है जिससे वो मोहब्बत करता है तो नेकों से मोहब्बत क्योंकि अलमर उमा अमन अहब्बा इंसान उन्हीं के साथ होगा जिनसे वो मोहब्बत करता है तो अगर दुनिया में नेक लोगों से मोहब्बत हुई तो क्या के दिन भी उन्ही के साथ होंगे इनशाला मुजाहिद कहते हैं अल्लाह इनसे मोहब्बत करेगा और इन्हें अपने मोमिन बंदों के दिलों में महबूब बना देगा जो ईमान लाकर नेक काम करे तो सी पता चलता है कि नेक कामों के जरिए अल्लाह और बंदों की मोहब्बत हासिल होती है क्योंकि जो बंदा अल्लाह की तरह मुतवजे हो जाता है तो अल्लाह मोमिनों के दिलों को उसकी तरह मुतव कर देता है यहाँ तक कि अल्लाह उसे मोमिन की मोहब्बत अता कर देता है बस हमने इस कुरआन को आपकी जबान में आसान कर दिया है ताकि आप इसके जरिए मुतकी लोगों को खुशखबरी खबरी दे और झगड़ालू कौम को खबरदार कर दे और इनसे पहले कितनी ही बस्तियाँ हमने हलाक कर दी क्या आप इनमें से किसी एक को भी महसूस करते हैं या आप उनकी कोई आहट भी पाते हैं सूरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताहा, हमने आप पर ये कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मशक्कत में पड़ जाए यानी दुनिया में ऐसे कामों में फंस जाए जो मशक्कत और थकावट का बायस हो या फिर आखिरत में मशक्कत में पड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इबादत में भी मशक्कत की बजाय म्याा रवि का हुक्म दिया गया था इसीलिए फरमाया फकर उमा तय कुरान और एक और बात यह कुरान तो सादत बख्शने के लिए आया है मुशक्कत में डालने के लिए नहीं आया कुरान पढ़कर जिंदगी आसान हो जाती है मुश्किल नहीं होती मुश्किल तो हमारे अपने अंदर होती है अल्लाह तस्किरतमशाह बल्कि ये एक नसीहत है उस शख्स के लिए जो डरता है यानी कुरान से फायदा सिर्फ वही उठाता है जो अल्लाह से डरता है सैयद कर अक्शा उस हस्ती की तरफ से नाजिल करता है जिसने जमीन और बुलंद आसमानों को पैदा किया यानी कुरान मखलूक के लिए हर तरह की सादत का बायस है अर रहमान रहमान जो अर्श पर मुस्तवी है यानी अल्लाह सुबहान ताला अर्श पर है कैसे खड़ा है या बैठा है नहीं मालूम और ना इसमें जाना चाहिए यानी यह हमें पता है कि वो अर्श पर है लेकिन ये नहीं पता कि कैफियत क्या है और किसी भी चीज को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला अर्श पर था यानी मखलूक की तखलीक से पहले ही उसके अर्श की मकदार को भी उसके सिवा कोई नहीं जानता और ये अर्श जो है सारी मखलूक की छत है और यह मालूम होता है हदीस से कि जन्नत की फिरदौस के ऊपर अर्श है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में सौ दर्जे हैं हर दो दर्जों के दरमियान सौ साल का फासला है एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक जाने में सौ साल लगते हैं और सौ दर्जे है जैसा की आज जमीन और आसमान के दरम्यान का फासला और फिरदौस उसका अला तरीन दर्जा है फिर वो कहाँ होगी सोचिए उससे चार नहरें निकलती हैं और उसके ऊपर अर्श है जब भी तुम अल्लाह से सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो लहू माफिल समा वातिब माफिल अर्द उसी का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है और जो उन दोनों के दरमियान है और जो गीली मट्टी के नीचे है सब का मालिक अल्लाह है और अगर आप बुलंद आवाज से बात करें तो यकीन वो जानता है छुपी हुई बातों को और पोशीदातर बात को भी जो अभी जबान पर आई ही नहीं अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं अल्लाह अलासना अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं सब अच्छे अच्छे नाम उसी के हैं यानी इस सूरत में अल्लाह के जो नाम आए हैं उनको भी आपने हाईलाइट करना है पहचानना और उसके मुताबिक दुआ भी करनी है और वैसे भी तौर पर अल्लाह के नामों को याद करना चाहिए और उसमें गौर विकर भी करना चाहिए वह अता का हदीस मूसा और क्या आपके पास मूसा की खबर आई है यानी मूसा सलाम का किस्सा बयान करने का मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना था और यहाँ पर आप देखिए कि सवाल के अंदाज में बात की गई है कोई सवाल पूछना नहीं था लेकिन यह एक स्टाइल होता है बात करने का जिसमें दूसरे को डायरेक्ट हुक्म देने की बजाय उससे सवाली अंदाज में बात की जाती है और इस तरह दूसरा भी सोचने समझने पर मजबूर हो जाता है जब उसने एक आग देखी तो अपने घर वालों से कहा तुम ठहरो मैंने एक आग देखी है शायद कि मैं तुम्हारे पास इससे कोई अंगारा ले आऊं या इस आग के पास कोई रहनुमाई पाऊं फिर जब वो उसके पास आया तो पुकारा गया मूसा यकीन मैं ही तुम्हारा रब हूँ बस अपने दोनों जूते उतार दो क्योंकि तुम तुआ की मुकदस वादी में हो इससे पता चलता है कि मस्जिदों वगैरह में जूते उतार के जाना चाहिए लेकिन अगर आप किसी प्ले ग्राउंड में है और जगह पाक है जूता भी पाक है तो नमाज उसमें भी हो सकती है मूसा सलाम को जूते उतारने का हुक्म क्यों दिया गया था कहा जाता है कि उस वक्त उनके जूते पाक नहीं थे इस वजह से और एक और बात यह भी है कि अगर आप किसी जगह पर जैसे आप सफर कर रहे हैं एयरपोर्ट में हैं, या जहाज में हैं, या कहीं भी बाहर कहीं आउटडोर नमाज पढ़ रहे हैं और आप जूते में पढ़ रहे हैं तो दूसरों को बता दें मेरे जूते साफ हैं और इसकी इजाजत है क्योंकि फिर लोग मुतनफर होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, और मैंने तुम्हें तो चुन लिया है लिहाजा जो वही की जाए उसे गौर से सुनो वही को कुरान को अल्लाह के कलाम को तोज्जो से सुनना चाहिए बेशक मैं ही अल्लाह हूँ मेरे सिवा कोई मबूद नहीं बस मेरी ही इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो अल्लाह ताला ने वही देने से पहले मुसाला सलाम को अपनी पहचान करवाई फिर इबादत का हुक्म दिया और फिर इबादत में खास तौर पर नमाज कायम करने का और अल्लाह ताला ने अपना नाम क्या बताया अना अल्लाह कि मेरा नाम अल्लाह है ये उसका जाती नाम है बाकी सारे सिफाती नाम है और अल्लाह में ही बाकी सारे नाम आते हैं जैसे अल्लाह मालिक है अल्ला खालिक है तो अल्लाह हरे के साथ लगता है और इबादत का जो हुक्म दिया गया तो इबादत में हर वो अमल आ जाता है जो इंतहा मोहब्बत के साथ इंतहा दर्जे की आजी और ताजीम के साथ किया गया हो इसमें कौल फेल और दिल का इखलास सभी शामिल है इखलास भी इबादत है और नमाज को खास तौर पर इसलिए अलहदा बयान किया गया इसकी अहमियत के पेश नजर और मुसलम को पहली वही में नमाज का हुक्म दिया जा रहा है और नबी अलैहि वसल्लम को भी इब्तदाई वही में फरमाया गया तो नमाज का असल मकसद ये कि बंदा अल्लाह की याद से गाफिल न हो एक नमाज पढ़ने के बाद अगली नमाज का इंतजार रहे और दूसरी बात यह है की भूल जाने की सूरत में याद आने पर फौरन नमाज पढ़ ली जाए इन बेशक क्यामत आने वाली है मैं उसे पोशीदा रखना चाहता हूँ ताकि हर शख्स को उसकी कोशिश का बदला दिया जाए यह है मकसद क्यामत के आने का और इसका आना यकीनी है और अल्लाह ने उसके वाकई होने को पोशीदा नहीं रखा उसके दिन को पोषीदा रखा और लोगों को बता दिया ताकि वो गफलत का शिकार ना हो तो क्यामत कब आएगी इससे ज्यादा ये फिक्र होनी चाहिए कि उस दिन होगा क्या उसके लिए तैयारी कितनी है एक शख्स ने नबी सल्म से पूछा कि अल्लाह के रसूल क्यामत कब आएगी आपने फरमाया तुमने उसके लिए क्या तैयारी कर रखी अक्सर लोगों को आप देखे उनका इंटरेस्ट किस में होता है क्यामत आने की निशानियां आ गई है फला निशानी भी आ गई फला भी आ गई अब ऐसा होकर वो तो बेतहा तफीलात में चले जाते हैं ठीक है, है? निशानियाँ तो हमें कुरान सन्नत में बताई गई है वो मालूम होनी चाहिए कि की कुरब क्यामत की निशानियाँ क्या लेकिन इसमें टूब वक्त लगाना और अमल से दूर होना ये घाटे का सौदा है बस वो शख्स तुम्हें हरगिज उससे रोक न दे जो इस पर ईमान नहीं रखता और अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करता है वरना तुम हलाक हो जाओगे यानी कुफार दलील की बजाय ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं तो तुम्हें उनकी पैरवी नहीं करनी क्योंकि अंधी तकलीद जो है वो नहीं करनी चाहिए इंसान किसी के भी पीछे जाए तो देख के जाए बाजुकत तो लोग एक गाड़ी को फॉलो कर रहे होते हैं ना किसी वजह से वो गाड़ी मुड़ती है तो वो भी बेसोचे समझो पीछे मुड़ जाते हैं क्योंकि अकल से काम नहीं ले रहे होते इस ऐसी ही बात भी पता चलती है कि दुनिया परस्त लोग और ऐसे लोग जो दीन के मामले में बहुत बेग से ख्याल रखते हैं और कुछ भी करना नहीं चाहते उनकी सोहबत इख्तियार नहीं करनी चाहिए शाह अब्दुल कादिर कहते हैं न रोक दे उससे यानी क्यामत के यकीन लाने से या नमाज से जब अल्लाह ताला ने मूसा सलाम को बुरे की सोबत से मना किया तो और कोई क्या है कबी कभी अमीनी मूसा और मूसा ये तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है इसका मतलब नहीं कि अल्लाह ताला को पता नहीं था ये इसलिए कहा गया ताकि मूसा सलाम उस पर तोजह दें उनको यकीन हो जाए और फिर अब इससे जो काम लिया जाना है तो उसके बारे में उनको तैयार किया जाए उसने कहा यह मेरी लाठी है मैं इस पर टेक लगाता हूँ और इससे अपने बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और इसमें मेरे लिए कुछ और फायदे भी हैं अल्लाह ने तो सिर्फ एक सवाल किया था मूसा सलाम ने लंबा जवाब दिया क्यूँके जिससे बात करने का शौक होता है इंसान चाहता है कि वो बात कभी खत्म ही ना हो बस बातें करते ही चले जाएं तो उनको अल्लाह सुबहाना से बात करने में कितना लुत्फ आ रहा होगा सोचिए जरा नहीं ऐसा एक्सपीरियंस तो किसी का हो नहीं सकता ना अच्छा एक और बात है हम किसी बड़े से मिलते हैं किसी सेलिब्रिटी से या किसी तो हम मिलकर घबरा जाते हैं हमें तो बात करना भूल जाती है मूसलाम का ईमान देखे उनकी तरबियत देखे अल्लाह ताला से बात कर रहे अल्लाह ताला ने पूछा क्या है तुम्हारे हाथ में तो कितने कॉन्फिडेंस के साथ सारा जवाब दिया है ये इनको तैयार किया गया था फिर के दरबार में जाने के लिए कि बात करते हुए किसी किस्म की घबराहट ही ना हो अल्लाह ताला ने पहले खुद बात कर ली और उनको तैयार किया तो जो दीन का दाई होता है मुबलिक होता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए और ये कॉन्फिडेंस रगड़े खा के आता है इंसान को बहुत जगह गिरना पड़ता है फिर वो उठता है संभलता है फिर उसको समझ आती कहां, कहां है कहा मेरी गलतियां और अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं और फिर इस काबिल बनता है तो कितने आराम से वो बात करते इससे ये भी पता चलता है अल्लाह ताला की अजमत तो है बड़ाई है हमें उसे डर लगता है लेकिन उसकी रहमत का भी यकीन होना चाहिए कि उससे बात करना कुछ मुश्किल भी नहीं ठीक है हम अल्लाह की आवाज नहीं सुनते लेकिन हम दुआओं के जरिए कुरान के जरिए अल्लाह से बातें तो कर सकते हैं ना और खास तौर पर नमाज में आकेम सला विक्री वो तो है ही अल्लाह की याद के लिए काला अलखहा फरमाया फेंक दो और जो ही उन्होंने फेंका तो क्या हुआ अजहा बन गई तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का ऐनुल यकीन करवा दिया और जादू के मुकाबले में उनको एक मजबूत हथियार दिया और फिर एक घड़ी में क्यामत के कायम होने का मशाहिदा भी करवा दिया यानी पूरी हर चीज कन्वर्ट हो गई उसकी कहा लाठी कहा सांप कितना कुछ होता सांप में फ अलखाहा फाहीसा तो जो ही उसने उसको फेंका तो यकीन वो एक सांप था जो दौड़ रहा था फरमाया इसे पकड़ लो और डरो नहीं अल्लाह अकबर कैसा हुक्म था ये अनकरीब हम इसे इसकी पहली हालत पर लौटा देंगे इसको कहते हैं ईमान सांप पकड़ लो बस पकड़ ले इंसान क्योंकि बहुत से अहकाम हमें सांप की तरह ही लगते हैं कि उनको पकड़ेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा खौफ होता है हमारे अंदर लेकिन कुछ नहीं होता अल्लाह का हुक्म है ना अल्लाह साथ देता है अल्लाह मदद करता है अगर आप अपनी नीयत में सच्चे हों और अपने हाथ को अपने पहलू के साथ मिला लो वो बगैर किसी ऐप के चमकता हुआ निकलेगा ये एक दूसरी निशानी है ताकि हम तुम्हें अपनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाए यानी को मजीद बड़े अता करने के लिए अल्लाह तला ने पहले ये अता किए इधहा फिर औना इन्ना फिर ऑन की तरफ जाओ क्यूँकी वो सरकश हो गया है यानी मोजात अता करने के बाद मुतकबर फिर को तबलीग का हुक्म दिया गया कौलर बिशरहली सदरी उसने कहा ऐ मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना खोल दे क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि मेरा सीना तंग होता है वह यदीक सदरी वो लाइन तलिक लसानी और मेरी जबान नहीं चलती हम सबको यही खौफ होता है ना तबली करने में तो ये दुआ पढ़ ले अल्लाह ताला खोल देगा और दूसरी बात अहम बात तीन की दावत देने के लिए पहले अपना शरह सदर जरूरी होता है कि जिस चीज की तरफ आप लोगों को बुला रहे हैं आपको भरपूर यकीन हो क्योंकि वो फिर आपके अल्फाज नहीं बोलते आपका यकीन बोल रहा होता है कि आप जो कह रहे हैं वो सच है और वो अल्लाह ही का कलाम है और अल्लाह ही की तरफ बुलाया जा रहा है क्योंकि वरना तो क्या होता है इंसान घबराहट के मारे बात कुछ करना चाहता हो कुछ जाती है अगर यकीन नहीं होता अपनी बात का और फिर बाजात कह के दिल खुश होने की बजाय इतमान कल में जो बेकरारी शुरू हो जाती है पता नहीं मैंने गलत तो नहीं फिर लोगों से कहते मैंने गलत तो नहीं कहा था कहीं और फिर जब इंसान के दिल में तंगी आ जाती है तो उससे खैर का काम बहाल हो जाता है दिलों में तंगिया नहीं होनी चाहिए सीना खुला होना चाहिए रब बिशरा ली सदरी वसर ली अमरी और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे तबलीग का काम और जो भी मैं करने जा रहा हूँ वहलानी और मेरी जबान की गिरा खोल दे मुसलम ने अल्लाह तला से दुआ की अल्लाह मेरी कमजोरी दूर कर दे मेरी जबान की गिरा खोल दे मुझे बोलना सिखा दे यू खूली ताकि वो मेरी बात समझ जाए ऐसी बात करूं कि लोगों को बात समझ आ जाए और मेरे लिए मेरे घर वालों में से एक मददगार बना दे फिर याद रखिए दीन का काम अकेले नहीं होता ये एक टीम वर्क होता है अकेले आप थक जाएंगे हार जाएंगे आपको मददगार चाहिए होते हैं तो उन्होंने अपने घर वालों में से मांगा तो घर वालों को अपना मददगार बनाने में कोई हरज नहीं क्योंकि बाज लोग कहते हैं ना कि ये फेवरेटिज्म है सिर्फ घर वालों ही को तरजीह दी जा रही नहीं अगर घर वाले इस काबिल है तो घर वाले साथ हो जाए और अगर कोई और काबिल है तो वो साथ हो जाए हारून अखी मेरे भाई हारून को उशदुद भी अजरी इसके साथ मेरी कुबत ज्यादा कर दे वो अशरे खुफी अमरी और इसे मेरे काम में शरीक कर दे कई नक कसी ताकि हम कसरत से तेरी तस्बीह करें सुफहान अल्लाह किस लिए साथ मांगा कि मेरे काम में भी शरीक हो अच्छा हमारा हाल क्या होता है हम अपने काम में किसी को शरीक नहीं करना चाहते ना दीन के काम में ना घर के काम में घर के काम में कहते ना ना तुम नहीं हार डालो मैं खुद ही कर लूंगी बच्चों को साथ नहीं मिलाते नतीजा क्या होता है उन्हें कुछ करना ही नहीं आता बड़े बड़े हो जाते हैं मिचोर हो जाते हैं छोटा छोटा काम नहीं घर का करना आता दुनिया के कामों के माहिर हैं बातों के माहिर हैं लेकिन अपनी जाति जरूरत पूरी करने के काबिल भी नहीं अपनी जिम्मेदारी उठाने के काबिल भी नहीं क्योंकि माँ बाप ने बचपन से लगाया नहीं साथ तरबियत ही नहीं की वह हुफी अमरी यानी उनको भी नबूबत अता कर दे ताकि हम कसरत से तेरी तस्बीह करें यानी दोनों मिलकर भी करें ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें क्योंकि इस तरह न इंसान का एक जहनी इश्तराक हो ना किसी के साथ माइंड मेट मिलता हो दोनों का काम एक जैसा आप देखे कि आप किसी अजनबी से बात करते थोड़ी देर बाद बातें खत्म हो जाती अच्छा अपने लाइक माइंडेड लोगों से बात करते हैं तो बातें खत्म ही नहीं होती अच्छा जब एक ही घर के दो अफराद एक ही काम कर रहे हो ना तो घर आके वो पिछली बातों की कंटिन्यूटी शुरू हो जाती तो फिर घर वाले कहते हैं घर आके भी अल्हुदा क्योंकि फिर वही वही बातें इंसान करना शुरू कर देता है ना और खासतौर पर उनसे जो उसकी बात समझते हो क्योंकि इंसान वही कंफर्टेबल होता है बात करने में जो बात समझता हो जो बात समझे ना तो इंसान कहता था सलाम हो तुम पर जाओ अपना काम करो वन का और हम कसरत से तेरा जिक्र करें ये दावत दीन की बुनियादी रिक्वायरमेंट है कि पहले अपनी जात पे काम करें अपनी नमाजें अच्छी करें अपना कुरान अच्छा करे कसरत से जिक्र करे तब लोगों को दीन की तबलीग करे तब बात में असर होगा इन्ना का कुना वसीरा बेशक तू हमें खूब देखने वाला है फरमाया मूसा जो तुमने मांगा तुम्हे दे दिया गया और यकीन हमने तुम पर एक और बार भी एहसान किया था अल्लाह ताला ने फौरन दुआ कबूल कर ली अब अल्लाह तला और एहसान याद अलाती क्यों ताकि कॉन्फिडेंस आए कि हाँ अल्लाह वाकई करता है जब हमें अपनी अचीवमेंट्स और अपनी कामयाबियां याद आती है तो हमें आगे भी काम करने को दिल चाहता है और नाकामिया इंसान के पाँव पकड़ लेती है जब हमने तुम्हारी माँ की तरफ इल्हम किया था जो इल्हम किया जाता है यानी खुफिया इशारा किया था उनके दिल में इल्हाम किया था क्योंकि औरतों को नबूवत तो नहीं दी गई यह कि तुम इसे संदूक में डाल दो फिर इसको दरिया में डाल दो फिर दरिया इसको साहिल पर डाल दे ताकि इसे मेरा और इसका दुश्मन पकड़ ले और मैंने तुम पर अपनी तरफ से मोहब्बत डाल दी और ताकि तुम मेरी आंखों के सामने परवरिश किए जाओ ये मोहब्बत भी अल्लाह डालता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि सभी की आंखों का तारा होते हैं और ये मोहब्बत उनके लिए अल्लाह ने दिलों में डाली होती है तो मूसा को अल्लाह ने संदूक को दरिया में डालने का हुक्म दे दिया सोचिए उनका हाल क्या हुआ होगा माँ तो थोड़ी देर के लिए अलग नहीं करती अलग कमरे में नहीं छोड़ती तो कहा ये बिल्कुल की लहरों के हवाले कर दिया जब तुम्हारी बहन चली जा रही थी तो कह रही थी कि क्या मैं तुम्हें ऐसे शख्स के बारे में बताऊं जो इसकी कफालत करे यूं हमने तुम्हें तुम्हारी माँ की तरफ लौटा दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी हों और वो गम ना करे अल्लाह ही टूटे दिलों का वावा करता है ना और तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया तो हमने तुम्हें उस गम से निजात दी और हमने तुम्हें खूब खूब आजमाया वो फतना का फतूना अल्लाह अपने प्यारों को आजमाता है याद रखिये अगर जिंदगी में आजमाइश है तो आप अल्लाह के महबूब है फिर तुम कई साल अहले मदीन में ठहरे रहे फिर मूसा तुम एक मुकरर अंदाजे पर आ गए एक मुकर अंदाजे पर यानी इस वक्त अब तुम्हें ये सब कुछ मिलना था ये इनाम होना था तो अच्छे वक्त का इंतजार करें और आजमाइशों के वक्त को सबर से गुजारे वस्तना और मैंने तुम्हें खास अपने लिए बना लिया यानी अल्लाह के एहसानात का एक मकसद यह है यानी जो भी एहसानात किए कि तुमसे दावत और तबलीग का काम लिया जाए देखिए अल्लाह के काम का बनना भी तो एक मान्य रखता है ना और उसके लिए आजमाइशों से गुजरना जरूरी होता है भट्टी पे चढ़े बगैर सोना चांदी खालिश नहीं होता अल्लाह के दीन के काम के लिए खालिश होने की जरूरत है तुम और तुम्हारा भाई मेरी निशानियां लेकर जाओ वाला न करना दाई दीन को दीन की तरफ बुलाने वालों को कसरत से अल्लाह का जिक्र करना चाहिए ये नहीं कि औरों को तो दीन की तबलीग करते रहें और खुद अपना जिक्र करना और इबादत करना भूल जाएं। वो कहते हैं ना कि जो अपनी खैर खाई से पहले दूसरों की कर रहा होता है वो पसाद कर रहा होता है कि अगर आप इतने सच्चे तो पहले अपनी तो करें और फिर आप देखें कि दुश्मन के मुकाबले में हमेशा जिक्र से मदद लेनी चाहिए सूरत अनफाल के शुरू में भी आया था ना कि ईमान वाले तो वो होते हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल कांप उठते हैं इजहबा इला फिर औना हुआ तुम दोनों फिर आन के पास जाओ बिलाशुबा वो बहुत सरकश हो गया है फिर दोनों उससे नरमी से बात करना वो सरकश है लेकिन तुमने क्या कर नरमी इख्तियार करनी शायद कि वो नसीहत कबूल कर ले या डर जाए यानी फिर भी उम्मीद रखनी है फिर जैसा बंदा भी बदल सकता है उम्मीद के साथ जाओ जब।, जब आप पहले से ही एक मनफी सोच सोचते हैं, इसने नहीं सुनना इसने नहीं बदलना इसको बताने का कोई फायदा नहीं तो आपकी बात कत असर नहीं करती आप हर एक से होपफुल रहे इसमें भी कोई खैर है ये भी कहीं ना कहीं कुछ मान ही जाएगा मुझे अपना काम करना है तब आप कॉन्फिडेंस से काम करते हैं और अगर या एक मौलिम ये पढ़ाए कि चलो अपना फर्ज पूरा करता हूँ इन्होंने तो कुछ करना नहीं नहीं ये ना सोचे लोगों के बारे में क्यों बदगुमान होते हैं लोगों के अंदर बड़ी खैर होती है और वो हर चीज हमारे सामने थोड़ी करते हैं आपको क्या पता वो खुफिया छुपे हुए कैसी कैसी नेकियों के काम करते हो कि क्या के दिन उनकी नेकियां पहाड़ों बराबर हों और आप देखते रह जाए तो इसलिए किसी के बारे में भी बुरा गुमान न करें क्योंकि दावत लल्लाह जो होती है इससे दूसरे की हिदायत मतलूब होती है इस्लाह मतलूब होती है ना कि अपनी बर्तरी साबित करना अपनी काबिलियत जताना और अपना गुस्सा निकालना ये मकसद नहीं होता और नरमी तो जिस चीज में दाखिल हो जाए उसे खूबसूरत बना देती है और जिस चीज से निकाल ली जाए उसे आबदार बना देती है दोनों ने कहा अमारे रब हम डरते हैं कि वो हम पर ज्यादा करेगा या ये कि वो हद से बढ़ जाएगा फरमाया तुम दोनों मत डरो मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं सुन रहा हूँ और देख भी रहा हूँ सुफान अल्लाह इन यंसुरकुम, सुरकुम वो यु सब सो दोनों उसके पास जाओ और कहो कि हम तेरे रब के रसूल तू बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दे और इनको तकलीफ न दे हम तेरे पास तेरे रब की तरफ से एक निशानी लाए हैं और सलाम है उस पर जो हिदायत की पैरवी करे बेशक हमारी तरफ वही की गई है कि जो जुटलाए और मुंह मोड़े उसके लिए अजाब है नहीं मानोगे तो सजा भी है बशीरम व नदीरा उसने कहा फिर तुम दोनों का रब कौन है मूसा कहा हमारा रब वो है जिसने हर चीज को उसकी शक्लो सूरत अता की फिर उसकी रहनुमाई की चिड़िया को उड़ना सिखाया मछली को तैरना सिखाया इंसान को चलना सिखाया हर चीज को बताया उसने क्या करना है हर चीज की प्रोग्रामिंग की हर एक को जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया वो बोला पहली कौमों का क्या हाल है फिर जो है कहा जाता है कि दे मिजाज था वो मुर्दा लोगों के बारे में जानना चाहता था कि वो कहा गए असल में तो लोगों को मुसल सलाम से मुतरफर भी करना चाहता था कि जवाब नहीं दे सकेंगे तो खुद ही पीछे हट जाएंगे मूसा ने कहा उनका इल्म मेरे रब के पास एक किताब में है मेरा रब ना भटकता है ना ही वो भूलता है मुझे नहीं मालूम मेरे रब को मालूम है तो दाई क्या करता है जो बात नहीं पता अल्लाह बेहतर जानता है मुझे नहीं मालूम वो जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया और उसमें तुम्हारे लिए रास्ते चलाए कायनात की निशानियों से अल्लाह की पहचान करवा रहे हैं और उसी ने आसमान से पानी उतारा फिर हमने उसके साथ मुख्तलिम की नबाता निकाली तुम इसमें से खाओ और अपने मुशियों को भी चराओ यकीन इसमें अकल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं और इसी जमीन से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में हम तुम्हें वापस लौटाएंगे और इसी से हम तुम्हें दूसरी बार निकालेंगे तीन बार और हमने उसे अपनी सब निशानियां दिखाई फिर भी उसने झुटलाया और इनकार ही किया उसने कहा मूसा क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि अपने जादू के जरिए हमें हमारी जमीन से निकाल दे हालांकि ऐसा तो कुछ नहीं था उसने तो कहा था कि बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दो तो हम भी तेरे पास ऐसा ही जादू लाएंगे बस तू हमारे और अपने दरमियान एक खुले हमवार मैदान में वादे का वक्त मुक्र कर दे ना हम उसकी खिलाफ वर्जी करे और न तुम करना फिर ने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए ये ढोंग रचाया उसने कहा तुम्हारे वादे का दिन जशन का दिन है और ये कि लोग चाश के वक्त इकट्ठे किए जाएं, छुट्टी के दिन लोगों को इकट्ठा किया जाए जब सब लोग आ सकें। चनाचे फिर वापस पलटा फिर उसने अपनी तदाबीर जमा की और वो मुकाबले के लिए आ गया मूसा ने उनसे कहा अफसोस तुम पर अल्लाह पर तुम्हे अजाब के साथ फना कर देगा और जिसने झूठ घड़ा यकीन वो नाम मुराद हुआ तो फिर और उसके साथ ही अपने मामले में आपस में झगड़ने लगे और उन्होंने चुपके चुपके मशवरे किए कहने लगे यकीन ये दोनों जादूगर है जो ये चाहते है कि तुम्हें अपने जादू के जरिए तुम्हारी सरजमीन से निकाल दे और तुम्हारे मिसाली तरीका जिंदगी का खात्मा कर कि हमारी तहजीब खत्म हो जाएगी लिहाजा तुम भी अपनी तदाबीर जमा कर लो फिर सफ बनाकर आ जाओ और जो आज गालिब आएगा यकीन वही कामयाब होगा उन्होंने कहा असा या तो ये तुम डालो और या ये कि हम हो जो पहले डाले उसने कहा बल्कि तुम ही डालो तब अचानक उनकी रस्सियां और उनकी लाठिया उनके जादू की वजह से मूसा सलाम को यूं महसूस होने लगी कि वाकई वो दौड़ रही हैं, यानी उनकी जबरदस्त महारत थी और बहुत बड़ा जादू लाए थे बस मूसा ने अपने दिल में कुछ खौफ महसूस किया इंसान भी थे ना बशर होते पैगम्बर हमने कहा डरो मत बेशक तुम ही गालिब रहोगे और जो तुम्हारे दाए हाथ में है उसे फेंक दो और जो कुछ उन्होंने बनाया है वो उसे निगल जाएगा जो कुछ उन्होंने बनाया है वो जादूगर की चाल ही तो है और जादूगर फला नहीं पा सकता जहाँ कहीं से वो आए इससे जादूगर की कामयाबी की तमाम अकसाम की नफी कर दी गई है जादूगर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते जरूरत इस बात की कि अपना ईमान मजबूत किया जाए किसी की नजर आपको नुकसान नहीं देती आप अपने लिए हिफाजत की दुआएं पढ़ते रहा करें तो जादूगर सजदे में गिरा दिए गए कहने लगे हम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए फिर ने कहा तुम उस पर ईमान ले आए इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाजत दूं यकीन यही तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हे जादू सिखाया है तो अब मैं जरूर तुम्हारे हाथों और तुम्हारे पाओ को मुखालिफ सम से काट दूंगा और मैं जरूर तुम्हें खजूर के दरख्तों के तनों पर सूली चढ़ा दूंगा और तुम जान लोगे की से कौन अजाब देने में ज्यादा सख्त है और ज्यादा बाकी रहने वाला है यानी फिर क्या कर रहा था अवाम में शक को शुबा पैदा करने के लिए जादूगरों को धमकी दे रहा था उन्होंने कहा हम तुझे हरगिज तरजीह नहीं देंगे उस पर जो खुली निशानियों में से हमारे पास आ चुका और उस रब पर जिसने हमें पैदा किया बस तू फैसला कर दे जो भी तू फैसला करने वाला है तू तो सिर्फ इसी दुनिया की जिंदगी का फैसला कर सकता है यानी जादूगर हक को देख कर ईमान में पुख्ता हो गए किसी चीज की परवाह नहीं अबो उन्हें न अपनी जान की बेशक हम अपने रब पर ईमान ले आए हैं ताकि वो हमारे लिए हमारी खताएं बख्श दे और इस जादूगरी को भी जिस पर तूने हमें मजबूर किया है यानी इस जादू के गुनाह को भी और अल्लाह ही बेहतर है और ज्यादा बाकी रहने वाला है हकीकत यह है कि जो भी अपने रब के पास मुजरिम बनकर आएगा तो यकीनन उसके लिए जहन्नम है ना वो उसमें मरेगा और ना जियेगा जहन्नम में न जिंदगी है न मौत है न जिंदों में न मरने वालों में और जो कोई उसके पास मोमिन बनकर आएगा जबकि उसने नेक का अमाल भी किए होंगे तो यही लोग हैं जिनके लिए बुलंद बुलंदोबाला दर्जात हैं ईमान लाने वालों के लिए जन्नत के मुख्तलिफ दर्जाते उनके अमाल के मुताबिक जन्नत अनहार हमेशगी के बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी उनमें वो हमेशा रहने वाले हैं और यही बदला है उसका जो पाकिजगी इख्तियार करे और बिला शुबा हम मूसा की तरफ वही की कि मेरे बंदों को रातों रात ले चलो फिर उनके लिए समुद्र में एक खुश्क रास्ता बना लो न तुम्हें घेरे जाने का खौफ होगा और न तुम डरोगे तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकेगा बस फिर अपने लश्करों के साथ उनका पीछा किया फिर उन्हें समंदर से उस चीज ने ढांप लिया जिसने उन्हें ढांपना था और और ने अपनी कौम को गुमराह कर दिया और सही रहनुमाई न की इसराइल यकीन हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दी और हमने तुमसे तूर की दाई जानब का वादा लिया और हमने तुम पर मनो सलवा उतारा अल्लाह तला अपने एहसानात याद करा रहे हैं कुलू मिन ते बात इमारा जख उन पाकिजा चीजों में सिखाओ जो हमने तुम्हें तो बतौर रिस्क दी है और तुम इसमें हद से न बढ़ो वरना तुम पर मेरा गजब उतरेगा और जिस पर मेरा गजब उतरा तो यकीन वो हलाक हो गया यानी रिस्क में तजावज ना करो यानी दूसरे का हक ना खाओ खर्ची नहीं करो रिस्क पाके इतराओ मत जो उसके हकूक है वो अदा करो ना फरमानी की जगह पे खर्च ना करो वह इन लगफ तदा और बेशक मैं उसको बहुत बख्शने वाला हूँ जो तोबा करे और ईमान लाए और नेक अमल करे फिर वो हिदायत पर कायम रहे मकफरत के लिए चार शरात का जिक्र कर दिया गया है वो जलका का या और क्या तुम्हारी कॉम से पहले जल्द ले आई यानी तुम कौम को छोड़कर तूर की तरफ जल्दी कैसे आ गए उसने कहा वो सब लोग मेरे पीछे ही आ रहे हैं और ऐ मेरे रब मैने तेरी तरफ आने की जल्दी की ताकि तू राजी हो जाए सुफहान अल्लाहू सलाम ने अगरचे जल्दी की थी जल्दबाजी पसंदीदा चीज नहीं लेकिन ये जल्दी भी क्यों की अल्लाह को राजी करना है अल्लाह से मुलाकात करनी है फरमाया हमने तुम्हारे बाद तुम्हारी कौम को फितने में डाल दिया है और सामरी ने उन्हें गुमराह कर दिया है असल मूसल कौम को तीस दिन का इतकाब बताकर गए थे जिसे अल्लाह तला ने चालीस दिनों से मुकम्मल किया कौम इससे बेखबर थी उन्हें नहीं पता था मूसा कब आएंगे इस मुद्दत से फायदा उठाकर सामरी ने किया जो कुछ किया तो मूसा अपनी कौम की तरफ सख्त गजबनाक और गमगीन होकर पलटा कहा मेरी कौम क्या तुम्हारे रब ने तुमसे अच्छा वादा नहीं किया था फिर क्या वो मुद्दत तुम पर तवील हो गई या तुमने चाहा कि तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से कोई गजब नाजिल हो जाए तो तुमने मेरे वादे के खिलाफ किया उन्होंने कहा हमने अपनी मर्जी से तेरे वादे की खिलाफ वर्जी नहीं की बल्कि फिर ऑन की कौम के जेवरात के बोझ हम पर लाद दिए गए थे तो हमने उन्हें फेंक दिया फिर इससे इसी तरह सामरी ने भी कुछ बना डाला मैंने उनके पास कोई माकूल जवाब नहीं था फिर उसने उनके लिए एक मुजस्म बछड़ा बना डाला उसकी गाय किसी आवाज थी उन्होंने कहा यही तुम्हारा माबूद है और मूसा का माबूद तो वो भूल गया है इस तरह सामरी ने अपनी कौम को बहकाया क्या फिर ये देख नहीं रहे थे कि वो बछड़ा उनकी बात का जवाब भी न लौटाता और ना ही वो उनके लिए किसी नफा और नुकसान का अख्तियार रखता था और बेशक हारून ने उन्हें इससे पहले ही कह दिया था ए मेरी कौम, तुम इस बछड़े के जरिए आजमाए गए हो और यकीनन तुम्हारा ही है समझाया था वो कहने लगे हम तो हमेशा इसी पर जम कर बैठे रहेंगे यहाँ तक के मूसा हमारी तरफ लौट आए मूसा ने कहा ए हारून जब तूने देखा कि वो भटक गए हैं तो किस चीज ने तुझे रोका कि तू मेरी पैरवी न करे क्या फिर तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की हारून ने कहा ऐ मेरी माँ के बेटे न तुम मेरी दाढ़ी को पकड़ो और न मेरे सर को दर हकीकत मुझे तो इसका खौफ था दरमियान तफरका डाल दिया है और तुमने मेरी बात का इंतजार न किया उसने कहा तो ऐसा अमरी तेरा क्या मामला है उसने कहा मैंने वो देखा जो और नहीं देखा बस मैंने रसूल के रक्षे कदम से एक मुठ्ठी भर ली फिर मैंने उसे पछड़े में डाल दिया और इस तरह मेरे नफ्स ने मुझे ये काम अच्छा कर दिखाया उसने कहा फज़हब, तू जा बेशक तेरे लिए इस जिंदगी में यही मुकद्दर है कि तू कहता रहे लामिसास, लामिसास, ना छूना न छूना डोंट टच मी और तेरे लिए आखरत में वादे का एक वक्त मुकर है तू हर गज उससे पीछे ना छोड़ा जायेगा और अपने इस महबूद की तरफ देख जिस पर तू जम कर बैठा रहा हम इसे जरूर जला डालेंगे फिर इसकी राख को दरिया में अच्छी तरह बखेर देंगे अगरचे वो सोने का था लेकिन फितने को खत्म करने के लिए उसे जलाया भी गया और फेंक भी दिया गया हमने तो अपने घरों में क्रिस्टल के बुत सजा सजा के रखे हुए इतनी कीमती हैं इनका क्या करें? उदौर जाहलियत में बहुत कुछ करता है इंसान लेकिन जब इलम आ जाता है तो फिर ऐसी चीजों से उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रहती ऐसी चीजों से उसकी कोई मोहब्बत नहीं रहती यकीन तुम्हारा महबूद तो अल्लाह ही है उसके सिवा कोई मबूद नहीं है उसने हर चीज का इल्म से इहाता कर रखा है इसी तरह हम आप पर कुछ वो खबरें बयान कर रहे हैं जो पहले गुजर चुकी और यकीनन हमने आपको अपने पास से एक जिक्र अता किया है यानी ये कुरान मन आ रदा अनहमिल जिसने इससे मुंह मोड़ा तो यकीनन वो क्यामत के दिन एक भारी बोझ उठाए हुए होगा वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं और क्यामत के दिन वो उनके लिए बहुत बुरा बोझ होगा जिस दिन सूर में फूका जाएगा और हम मुजरमों को उस दिन नीली आंखों वाले बनाकर इकट्ठा करेंगे वो आपस में चुपके चुपके कह रहे होंगे कि तुम दुनिया में सिर्फ दस दिन ही ठहरे हो हम खूब जानते हैं उसे जो कुछ वो कह रहे होंगे जबकि उनमें से सबसे ज्यादा मिसाली रविश वाला कह रहा होगा तुम तो सिर्फ एक ही दिन ठहरे हो और वो आपसे पहाड़ों के बारे में सवाल करते हैं आप कह दीजिए मेरा रब इन्हें उड़ा कर बखेर देगा फिर वो इन्हें चटियल मैदान बनाकर छोड़ेगा आप उसमें ना कोई टेढ़ापन देखेंगे और ना ही कोई ऊंच नीच यानी कि के दिन पूरी जमीन को हमवार कर दिया जाएगा उस दिन वो सब एक पुकारने वाले की पैरवी करेंगे जिससे कोई इन्ह ना करेगा और रहमान के सामने सब आवाजें दब जाएंगी तो सिवाय कदमों की आहट के तुम कुछ ना सुनोगे यानी मखलूक का इतना बड़ा हुजूम होगा लेकिन आवाज नहीं होगी आवाजें पस्त हो जाएंगी क्योंकि अल्लाह के सामने आजी के साथ खड़े होंगे सब उस दिन शफात कोई फायदा न देगी मगर जिसको रहमान इजाजत दे और उसकी बात को पसंद करे जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है वो सब जानता है और वो उसके इल्म का अहाता नहीं कर सकते यानी अल्लाह के सिवा दूसरों को चाहे वो फरिश्ते हो जिन या इंसान कोई और मखलूक उनको अगले पिछले तमाम हालात मालूम नहीं तो इसमें मुश्किन के लिए तम है जो अल्लाह के अलावा दूसरों की परस्तश करते हैं हमारी सिफारिश करेंगे और तमाम चेहरे उस दिन जिंदा रहने वाले कायम रहने वाले के लिए झुक जायेंगे और यकीन वो नाम हुआ जिसने जुल्म का बोझ उठा लिया और जो नकमल करेगा जबकि वो मोमिन भी हो तो वो किसी जुल्म और हक तल्फी से न डरेगा और इसी तरह हमने उसको अरबी कुरान बनाकर नाजिल किया और हम इसमें तंबीहात को फेर फेर कर लाए शायद कि वो तक्वा इख्तियार करे इनमें कोई याद दहानी पैदा कर दे यानी कुरान में बार-बार बयान बार की गई उसका मकसद बताया गया है की अल्लाह का डर पैदा हो बस बहुत बुलंदोबाला है अल्लाह बादशाह हकी और आप इस कुरान के पढ़ने में जल्दी न कीजिए इससे पहले आप की आपकी तरफ उसकी वही पूरी हो जाए और कह दीजिए वकुर रबी जिदनी रब मुझे इल्म ज्यादा कर दे हमें हर वक्त इल्म इजाफे की दुआ करते रहना चाहिए और यहाँ लफ्ज आया है इल्मन नकिरा है इससे बराद इमे है चाहे दीन का हो चाहे दुनिया का हो और खा कान का जिसके अजायबात कभी खत्म नहीं होते और यकीन हमने इससे पहले आदम से अहद लिया तो वो भूल गया और हमने उसमे इरादे की पुख्तगी ना पाई और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के उसने इनकार कर दिया तो हमने कहा ए आदम ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है कहीं ये तुम दोनों को जन्नत से ना निकलवा दे वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे तुम्हारे लिए इस जन्नत में न भूख होगी और न तुम उरिया हो और न तुम इसमें प्यासे होगे और न तुम्हें धूप लगेगी तो शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला कहने लगा ए आदम क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं हमेशगी की जिंदगी के दरख्त और उस बाहत पर जो कभी पुरानी न होगी वह दोनों ने उस ममनुआ दरख्त से खा लिया तो दोनों के लिए उनकी शर्मगाहे जाहिर हो गई और वो दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते चिपकाने लगे और आदम ने अपने रब की हुक्म मदूली की तो वो भटक गया तुम मचतवा रब अल वाह फिर उसके रब ने उसे चुन लिया बस वो उस पर मेहरबान हुआ और उसकी रहनुमाई की और ये वही कलिमात है रब्बना जलमना अनफुसना के जो अल्लाह ताला ने सिखाए थे आदम अलैहिस्सलाम को तो इससे पता चलता है कि गलती के बाद तौबा करने वाले इंसान से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है तो असल चीज है चाहे शैतान बहका दे किसी गलत काम में इंसान पड़ जाए लेकिन वापस पलट आए तौबा कर ले अल्लाह से सॉरी कर ले फरमाया तुम दोनों यहाँ से इकट्ठे उतर जाओ तुम एक दूसरे के दुश्मन हो गये फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आ जाए तो जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की तो ना वो भटकेगा और ना ही वो मुसीबत में पड़ेगा तो इससे पता चलता है कि इंसान को जमीन पर आने के लिए ही पैदा किया गया था और फिर यहाँ इंसान का काम क्या है अल्लाह की हिदायत की पैरवी करना और असल हिदायत वही है जिसकी तरफ कुरान सुन्नत रहनुमाई करता है वो मन अन बिक्री और जिसने मेरे जिक्र से एराज किया मेरे जिक्र कुरान से तो उसके लिए तंग गुजरान होगी मुंह मोड़ लिया पहले पढ़ते थे फिर छोड़ दिया तो जिंदगी तंग हो जाएगी घुटन का शिकार हो जाएगी और क्यामत के दिन हम उसे अंधा उठाएंगे मीशत वो चीज होती है जिस पर जिंदगी गुजरती है खाना पीना दीगर जरूरियात और तंग जिंदगी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो होंगी नहीं बल्कि होंगी भी तो उनमें कोई लुत्फ नहीं रहेगा ऐसे ऐसे मसायल आएंगे उनमें और यह भी कहा गया कि इससे मुराद अजाब कब्र है तो इसमें दुनिया और बरसी जिंदगी दोनों ही की तंगी शामिल है और कितने ही मालदार लोग ऐसे है और कितने ही रिसोर्सफुल लोग ऐसे है जिनके पास सब कुछ है लेकिन उनकी औलाद ने उनका नाक में दम कर रखा है और जिंदगी की किसी नेमत को एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि न खुद दीन पर थे ना बच्चों को दीन सिखाया लिहाजा वो बिगड़ गए भटक गए तो यहाँ पर दुनिया में हक को कबूल न करने की सजा है कि इंसान के आमद के दिन अंधा बहरा करके उठाया जाएगा वो कहेगा मेरे रब तू ने मुझे अंधा क्यों उठाया हालांकि मैं तो देखने वाला था वो फरमाएगा इसी तरह तेरे पास हमारी आयत आई थी तो तू उन्हें भूल गया और इसी तरह आज तू भुला दिया जाएगा आज तेरा भी कोई पुरसान हाल नहीं बहुत ही गौर करने वाली आयत है बहुत सबक लेने वाली आयत है कि कुरान से रू गरदानी का अंजाम न दुनिया में अच्छा ना आखिरत में ऐसे ऐसे मसायल है कि इंसान सोच भी नहीं सकता और इसी तरह हम बदला देते हैं उसको जो हद से गुजर जाए और अपने रब की आयात पर ईमान न लाए और यकीन आखरत का अजाब ज्यादा शदीद और ज्यादा बाकी रहने वाला है फिर क्या इस बात ने इनकी रहनुमाई नहीं की कि हमने इनसे पहले कितनी ही बस्तियां हलाक की जिनके रहने की जगहों में ये चलते फिरते हैं यकीन इसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं और अगर आपके रब की तरफ से पहले से एक तय शुदा बात और म्याद मुक्र ना हो चुकी होती तो अजाब लाजिम हो जाता बस सबर कीजिए उस पर जो वो कहते हैं और अपने रब की हम के साथ तस्बीह कीजिए सूरज तुलू होने से पहले और उसके गुरुब होने से पहले और कुछ रात की घड़ियों में भी बस तस्बीह कीजिए और दिन के दोनों किनारों में भी ताकि आप राजी हो जाए ये इत्मीनान कल्ब का जरिया है पांच नमाजों की पाबंदी और आप उन चीजों की तरफ निगाहे उठा कर भी ना देखे जो हमने इनके मुख्तलिफ लोगों को दुनिया की जिंदगी की रौनक के लिए दे रखी है ताकि हम इन्हें इसमें आजमाए और आपके रब का रिस्क बहुत बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाला है और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और खुद भी इस पर कायम रहिए हम आपसे किसी रिस्क का सवाल नहीं करते हम ही आपको रिस्क देते हैं और अच्छा अंजाम तो तकवा के लिए है यानी तकवा वालों के लिए है इससे पता चलता है कि रोजी कमाने की खातिर अपनी इबादत में सुस्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है क्योंकि जो शख्स ऐसा करता है तो उसका फखिर अल्लाह रख देता है उसके मामला बखेर देता है और दुनिया से उसे बस इतना ही मिलता है जो उसके मुकद्दर में होता है तो दुनिया और आखरत दोनों में अच्छा अंजाम तखबा पर ही मुनहसर है और ये कहते हैं ये हमारे पास अपने रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं लाता क्या भला इनके पास कोई वाज दलील नहीं आई जो पहले शहीफों में है और अगर हम इससे पहले ही इन्हें किसी अजाब के साथ हलाक कर देते तो ये लोग जरूर कहते ऐ हमारे रब तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों ना भेजा ताकि हम तेरी आयात की पैरवी करते इससे पहले कि हम जलील और होते। कह दीजिए सब इंतजार कर रहे हैं लिहाजा तुम भी इंतजार करो वन अन करीब तुम जान लोगे कि सीधे रस्ते वाले कौन है और कौन है जिन्होंने हिदायत पाई وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الله کیذن سے ہمارا اج کا جز مکمل ہوا تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں जी असहाब कहाफ के वाक से जो इसबाक हमें मिले उसको हमने अपनी जिंदगियों में जरूर हाई रखना है उसकी रीजन क्या है कि हर फ्राइडे जो हमें पढ़ने का हुक्म है हमने गौर करना है कि क्यों कहा गया बार बार अब इसको क्विकली हम लोग होते हुए चलते हैं देखते हैं कि क्या था इसमें हमारे लिए इसबाक जिनको हो हम माइंड में रखें इंसान उस बात की उम्मीद रखे कि अल्लाह तला ईमान वालों की मदद करता है दुआ के साथ तदबीर भी करें फितनों के दौर में ऐसी जगह से अलग हो जाए जहां पर दीन को खतरा हो मकसद के हसूल के लिए एक दूसरे से मशवरा करें बहस से बचें। हलाल, पाक साफ तयब खाना खाएं और ये हमने जो अपना लेसन लिया था पहले भी हमने हाईलाइट किया था नरमी को जिंदगी का हिस्सा बनाएं। मामूल अल्लाह के अल्लाह के सुपुर्द करें ठीक है इन ये हमने इनकी स्टोरी से लेसन लिए थे बाकी बाग वालों की जो तो उससे क्या है कि शुक्र नेमत को बाकी रखने का सबब है माल और औलाद आजमाइश है अमूमन तकबर इन्हीं रास्तों से आता है बहुत ख्याल रखना है हमने नेकियां ही बाकी रह जाने वाली है फानी को बाकी रहने वाले आमाल पर तरजीह ना दें सारे इख्तियारत का मालिक अल्लाह सुबह त नेमतों का इनकार नेमतों के जवाल का सबब बनता है बेशक दुनिया आर्जी है और आखरत बाकी रहने वाली है इन स्टोरी से अपने अंदर ये पॉइंट्स को अपनी लाइफ में लेके आना है फिर मुसाअल औरज़र आलम के वाक़ से कि हर हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है इल्म हासिल करने के लिए सफ़र करना चाहिए सफ़र में किसी को साथ ले जाए ज़्यादे राह साथ ले जाए हासिल करने के लिए सबर बेहद जरूरी है और सबर इल्म हासिल करने के साथ ही आता है इस चीज को हमें हाई रखना होगा अल्लाह तैयब के साथ वाल की नेकी से औलाद को भी फायदा पहुँचता है सुबहानल्ला फिर इसी तरह जुल कल नैन का वाक्य था सुबहानल्ला इसके अंदर कुछ बाबा थे फिर उसके बाद सवाल है आपसे आ, इसके आ, इल्म हासिल करने के लिए सबर शर्त है क्या ये बात सही है ट्रू या फॉल्स ये बताइए कि इल्मिल कर जी माशाल्लाह बिल्कुल हमने क्या करना है बेजा सवाल नहीं करने इतराज नहीं करने क्योंकि ये तमाम तर चीजें हमें खसारे में डाल देती हैं अल्लाह ताला को पता है ना कि अल्लाह ताला तला क्या सिखाना चाहते हैं किस चीज़ के लिए अल्लाह सुबहाना तला हमें तैयार करना चाहते हैं तो इल्म के लिए सबर लाजमी है मेरे साथ आयत पे आ जाए कि बाप की नेकी औलाद में आती है क्या ऐसा है क्या बाप की नेकी औलाद में आती है सुबह ये आयत मुझे बहुत ज्यादा जब से मैंने ये लेसन सुना इसकी मैं तैयारी करी तो मुझे बहुत ज्यादा अब्दुल्ला बिन मसूद रजित की बात बार बार याद आती है जब वो नवाफिल पढ़ते थे और रोते हुए जब तो उनके छोटे बच्चे सो रहे होते थे उन्हें देख के रोते हुए क्या कहते थे मन अजलिका या बुनैया क्या कहते थे क्या कहते थे ऐह मेरे बेटे ये तेरे रोशन मुस्तकबिल के लिए है सुबह अल्लाह कि अपने नवाफिल अदा कर रहे हैं जब आप भी तरवी पड़े रात के वक्त अकेले तन्हाई में जिनके पे छोटे बच्चे जो कि इबादत नहीं अभी करते वो सो रहे हूँ तो उन्हें देख के कहा करें कि बेटा मैं ये तुम्हारे लिए पढ़ रही हूँ बेटी मैं ये तुम्हारे लिए पढ़ रही हूँ तो इस चीज़ को बहुत ज्यादा मैंने महसूस किया आप भी करें बहुत खुशी महसूस होती है बाजार कुछ चीजों को अपनी जिंदगी में लेके आने से तो कितनी डीप उनकी थिंकिंग हुआ करती थी सुबह आ फिर आगे बढ़िए रियाकारी कारी के असगर है या ऐसा है ट्रू और फॉल्स जी रियाकारी के असगर है फिर नमाज को ना पढ़ना या देर से पढ़ना उसे जाया करने के बराबर है जी बिल्कुल मोमिन की बेहतरीन सहरी खजूर है यस माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत से मौाक पर खामोशी बोलने से ज्यादा बेहतर होती है ऐसा है यस yes, बिल्कुल खामोशी ज्यादा बेहतर होती है मोमिनों की आपस की मोहब्बत अल्लाह का इनाम है इनाम है यस yes नो यस no? yes, माशाल्लाह माशाल्लाह जी मगफरत के चार शराइत कौन से हैं सॉरी यहाँ पे अलिफ आना था नून के साथ जी मगफरत के चार शराइत कौन से हैं नंबर वन तोबा करना ईमान का होना अमल और हदायत पे रहना ये मकफिरत के चार शराब है अल्लाह सबर और पांचों नमाजों की पाबंदी इतमान कल का जरिया है ऐसा है यस आर नो यस यस माशाल्लाह माशाल्लाह आप सब का जवाब बिल्कुल ठीक आप बहुत स्मार्ट है अब मुझे ये बताएं इस तस्वीर को देखें और मुझे ये बताएं कि अरबी का कौन सा वर्ड यूज होगा ये है बेसिकली वाटरफॉल मैं आपको बता देती हूँ जिसको आप नदी कह सकते हो कुछ भी रिवर कह सकते हो क्या है ये सरैया सरैया है, है या जनीया है इन तीनों में से क्या ए बी सी आप आ, मार्क करें माशा माशाला आपको सब कुछ आता है आपको अरबी में भी वर्ड आते हैं माशाल्लाह अब इस तस्वीर को देखें ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दू ये क्या है ये ट्री है विदाउट विदाउट फ्रूट ठीक है तो इसको क्या कहते हैं नखला नखलाती या क्या कहते हैं ए या बी आप इसको इस तरह करके कह सकते हैं जी वन माशाल्लाह बिल्कुल ये क्या है तने को कहते हैं फिर इस तस्वीर को देखें जो कि देखने के बाद हमें अफतारी याद आ रही होगी सुबह अल्लाह क्या है ये ए या बी जी माशाल्लाह वन है जी ये है पकी हुई खजूर जो कि हम इंशाल्लाह शाम में खाएंगे रोजा ओपन करते वक्त इस तस्वीर को देखकर अरबी का कौन सा लफ्ज़ जहन में आता है ये क्या कर रहे हैं ये सरगोशी कर रहे हैं ना ठीक है तो क्या है माशाल्लाह वन माशाल्लाह इस तस्वीर को देख क्या आता है ये दीवार है वॉल है क्या आता है जी माशाल्लाह आप सब का जवाब बिल्कुल ठीक है इसका मतलब ये है कि आपको समझ आती है आपका मुसब जब आपके पास खुला होता है इसका मतलब है आप उन लफ्जों को गुजरते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों से गुजरे उनके अल, उनके मुंह से अदा हुए ये अल्फाज ना सुबह अल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र के हमें अरबी की समझ आने लगी है अब आयद नंबर एटी फाइव पे देखिए इस आयत से अमल के लिए क्या सबक मिलता है अल्लाह ताला की अता करदा इस को इस्तेमाल करना चाहिए या फिर असबाब को इस्तेमाल करने की बजाय ज्यादा मेहनत करें ताकि ज्यादा सवाब मिले क्या हम करेंगे ए या बी बिल्कुल ए, ए इसका दाय दिन के अंदर किन खसूसियात का होना जरूरी है मोहब्बत व शफकत तफ्स तकवा बहुत से किस्से और मिसालें याद हों आवाज में सोज हो लोगों को डराना आता हो लोगों को डराना ना ज्यादा बेहतर लग रहा है नहीं नंबर होगा अल्लाह जी अब इसमें आ जाए आयत नंबर थ्री के अंदर अल्लाह ताला से मांगते हुए आजी और उसने जन भी रखें और ज़ाहिरी इस्बाब ना भी हो दुआएं करते रहे अल्लाह आयत नंबर थ्री के अंदर हमें कहा जा रहा है कि खुफिया खुफिया अल्लाह तला से दुआएं मांगे अकेले तन्हाई में से दुआएं मांगे फिर तस्बीहात हैं उसके ऊपर बहुत से आपको पता है कि उसके फवाद हैं इंशाल्लाह टाइम की कमी की वजह से हम इसे नहीं कवर करेंगे लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट पारा में ये कवर हो जाएंगे सेवनटीन जूस में अब आवाइ थर्टी टू के अंदर जी यहाँ पे अम्मी का जिक्र आया है वालदा का जिक्र स्पेशली आया है अपनी अम्मी के साथ किस तरह नेक से कर सकते हैं मोस्टली हमारे जो केसेस हैं हम लोग ओवरसीज हैं हम जब भी पाकिस्तान या जहाँ भी हमारे वालदे हैं हम जाते हैं तो एज ए मेहमान जाते हैं तो हम क्या करें अपनी माँ के साथ किस तरह हमारा रोज का रहा होता है अपनी मदर्स के साथ स्पेशली हम उनके साथ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें उन्हें मोटिवेट करने वाली बातें करें बहन भाइयों के भाभीों की हिब्बत करने की बजाय और आसपास की खबरें लेने की बजाय मौसम के हालात जानने की बजाय हमें क्या करना होगा हमें अपना जायजा लेना होगा स्पेशली मैंने बहुत नोट किया छोटे बच्चे जिनके होते हैं वो पास बैठे होते हैं और जब मदर्स बात कर रही होती हैं हर बच्चा वो चीजें आपकी नोट कर रहा होता है तो हमें अपने लफ्जों का एहतियात करनी है अपने माँ बाप को हमारे माँ बाप को हमारी मुश्किल या हमारी जिंदगी में आने वाली आजमाइश की बातें सुनने की टाइम नहीं है वो कमजोर हो गए है ना हमें ये अपनी कमजोरियां हमें हमें अपने फेजे से खुद गुजरना हमें ये सफर अकेले ही काटना है न तो हम उन कमजोर के साथ अपने माँ स्पेशली अपनी अम्मी के साथ अपनी पर्सनल चीजें नहीं शेयर करेंगे हम हम बात करने से पहले फोन कॉल लेने से पहले इन पॉजिटिव बात को अपने पास हाईलाइट करेंगे और वो उनसे शेयर करेंगे इनशाला फिर देखे कि इस आयत के अंदर कहा गया कि मैं तबाह हवा हूँ ठीक है अब इसमें देखना क्या है कि मेरी दोस्ती का मैार क्या है कि मैं क्या करती हूँ दीन की महफिलों में आती हूँ उसके बाद दोस्तों में बैठती हूँ और मैं गुम हो जाती हूँ इसके ऊपर एक बड़ा खूबसूरत सा कौल है सुफियान बिन उ का अगर मेरा दिन कम अकलों की तरह और मेरी रात जाहिलों की तरह गफलत में गुजरे तो फिर मैं फिर मैंने तो इल्म हासिल किया है वो भी फायदा है जो भी हासिल किया मेरे लिए वो फिर बेफायदा हो गया ना किसी ने इनसे रजाई इलाही के बारे में सवाल किया फरमाया कि अल्लाह से राजी वो शख्स है जो जिस हाल में है उसके अलावा दूसरी हालत की ख्वाहिश ना रखे ठीक है तो अपने जायजा लेना है कि मेरे दोस्त कहीं मुझे दुनिया की तरफ ही तो नहीं खींच के ले जाते इनशाला मैंने और आपने सब ने जायजा लेना है कि क्या अहमियत है दुनिया है या आखिरत है हमारी जिंदगी में हमारी अहमियत जी यहाँ पे कहा जा रहा है उसे नरमी से समझाओ फिर को नरमी से समझाओ हमें हमारी जिंदगी में बहुत से लोग ताने देते हैं बहुत कुछ होता है लेकिन हमें क्या हुक्म दिया जा रहा है चाहे अगला जो कुछ भी करे हमें क्या करना है नरमी इख्तियार करनी है और ये सारी चीजें सारी चीजें कैसे आ सकती हैं आपने देखा घर वालों का जो किस्सा था यकीन की आजमाइश थी बाघ वालों के पास माल की आजमाइश और सलाम के स्टोरी में इल्म की आजमाइश और जुलकर नैन के किस्से में किसकी आजमाइश ताकत की आजमाइश और हम में से हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई आजमाइश है इन सब चीजों का जो एक मजमुआ और एक की आप कह सकते हो इस पूरे जूस का वो क्या है हिकमत, हिकमत, हमें अल्लाह ताला से हिकमत मांगनी है हा काफ मीम इसका रूट वर्ड है कुरान पाक में अल्लाह सुबहान वाली ने टू हंड्रेड टेन टाइम्स इसका जिक्र किया है आखिर हिकमत है क्या हिकमत कोलोफेल की दुरुस्तगी का नाम है हिकमत कोलोफेल की दुरुस्तगी का नाम है हिकमत के मायने क्या है फहम खशियत इलाही सुन्नत इल्मे नाफे नेक कामों तोफ़ी का मिलना भी हिकमत है सुबह अल्लाह के फिर हैं अब हिकमत के फवाद क्या होते हैं हमारी जिंदगी में अगर हिकमत हमारे अंदर आ जाए तो क्या क्या फायदे हमें उससे नसीब होंगे इखलास सुबहान्लास तोफीक तो, मुजाहिदा करना और शरा इल्म हासिल करना तजर्बा और सुनतों को समझना और इन पर गौर करना नरमी बुर्दबारी ठहराओ बात की तहकीक करना दुआ और इस्तहारा करना अल्लाह के हुक्म को कबूल करना और इसमें ईमान लाना जिस इंसान में हिकमत हो वो उसको लगाम देती है हिकमत इंसान को जहालत और उजलत से रोकती है कहा गया ना इंसान जल्दबाज है तो इन तमाम तर चीजों का इस पूरे पारे में जो मैंने तनहाई में बैठ के गौर किया तो एक ही वर्ड मिला वो थी हमत हिकमत सिर्फ और सिर्फ हमारी हिकमत और हिकमत आपको पता है अल्लाह सुबहान तकमत को तजर्बे तालीम और डिग्री के साथ नहीं कहा कि ये डिग्री हासिल कर लो ये शार्ट कोर्स कर लो तुम्हारे अंदर आ जाएगी इम्पॉसिबल हमत को हमेशा से अल्लाह सुबहान वा ने सखावत के साथ रखा है सखावत के साथ और सखावत कौन करता है मसिन मसिन कौन होते हैं जो हक़ से ज़्यादा देते हैं हकदार कोर्स का हक देते हैं हकदार को हमेशा हक देते हैं हमेशा बांटते रहते हैं क्योंकि उनको उनको बड़े फायदे की तरफ होती है और हम सब ने मैंने और आपने बस गौर करना है इस वर्ड हमत के ऊपर कि अल्लाह सुबहान तला हमें हमत अता रही या अल्लाह मेरी जिंदगी के हर मामले में हमत अता फरमाए मुझे मुस्बत और मुबारक इंसान बनाए मैं बनना चाहती हूँ क्योंकि हमत ही है जिससे जिंदगी में रंग आते हैं ना हमें 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 समझ आती है कि इस वक्त मुझे क्या करना था क्या बोलना था क्या सोचना था आज आपने रफ्तारी के बाद जब भी आपने अपना साइलेंट टाइम आपका होता है अकेले में जरूर तन्हाई में कुछ गौर करें आज के दिन मैंने क्या सीखा और क्या अमल में लाई मैं और क्या मैंने गौरव फिक्र किया गौर करें आज का वर्ड लेके जाए हिकमत को कि हमत को क्यों इतनी बार जिक्र किया गया हमत में आखिर क्या बात है हिकमत है क्या चीज़ तो अल्लाह सुबहाना तला से हम सब ने मैंने और आपने हम सब ने इन से तकमत की ही दुआ मांगनी है और ये दुआ मैं आपसे ग्रुप में हम लोग शेयर करेंगे आज के जुज के साथ इन बस इसी के साथ ही हम आज की क्लास का अख्तितम करते हैं अल्लाह सुबहाना वा तला हम सब का साथी जो है ना हम सब की जिंदगी का जो साथी बेहतरीन है ना वो कुरान बन जाए फिर जिंदगी में इनशाला हमत आ जाएगी